केमिस्ट्री में हम कुछ भी पढ़ें हमारी कहानी शुरू हो जाती है वही एटम से और एटम के अंदर क्या होता है एटम के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और उसके अराउंड होता है एक क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो अब ऐसा देखा गया है कि जो एटम्स होते हैं उन्हें अकेले रहना पसंद नहीं है वो चाहते हैं कि वो दूसरे एटम्स के साथ जुड़ के रहें मतलब यूँ समझ लो कि जो एटम्स हैं ना वो हमारी ही तरह हैं जैसे हमें भी दूसरों के साथ में रहना ज़्यादा पसंद होता है राइट हमें बिल्कुल लोनली लाइफ नहीं पसंद आती है राइट हमें अपने बच्चों से अटैचमेंट होता है पेरेंट्स से अटैचमेंट होता है हमारे फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स सबसे अटैचमेंट होता है करेक्ट तो अधिकतर एटम्स ऐसे ही हैं हालांकि कुछ ऐसे साधु संत जैसे महात्मा भी होते हैं जो कहते हैं कि वो हर तरह के अटैचमेंट से ऊपर उठ चुके हैं तो ऐसे लोग जो हैं हैं वो अकेले भी काफ़ी टाइम बिता लेते हैं। मतलब सालों साल तक भी वो अकेले अपने ध्यान में ही बिता सकते हैं तो इस तरह के एलिमेंट्स भी हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जैसे कि नोबल गैसेस वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट अटेन कर चुके हैं तो इसीलिए उन्हें इतनी खास कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि दूसरों के साथ कंबाइन करें रिएक्ट करें वगैरह वगैरह हालांकि ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ नोबल गैसेस भी कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ठीक है तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि जो ये एटम्स हैं इन्हें अकेले रहना नहीं पसंद तो ये क्या करेंगे ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर बनाएंगे मॉलिक्यूल्स ठीक है क्यों क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब ये बना लेते हैं तो ये अपना स्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं ठीक है अब अगला सवाल कि ये कंबाइन होंगे कैसे तो उसका आंसर है बॉन्ड से बॉन्ड ये वर्ड तो सुना ही होगा नहीं मैं जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूं मैं केमिस्ट्री वाले बॉन्ड की बात कर रही हूं जो जिससे दो एटम्स जुड़े होते हैं जो बॉन्डिंग होती है बीच में इनफैक्ट अगर हम रियल लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स की भी बात करें तो बॉन्डिंग होती है राइट फॉर एग्जाम्पल लेट्स एक माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्ड होता है करेक्ट ऐसा तो है नहीं कि माँ को बच्चे से जो है रस्सी से बांध दिया जाता है नहीं कुछ भी नहीं होता है दिखता तो कुछ भी नहीं है बट एक प्यार होता है एक अफेक्शन होता है एक केयर होता है एक दूसरे के लिए एंड दैट्स द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड तो ठीक उसी तरीके से जब हम एटम्स के बीच के बॉन्ड की बात करते हैं तो ये बॉन्ड जैसे हमें बुक में जो पिक्चर्स में दिखती है ना ऐसे एक लाइन बनी हुई होती है दो एटम्स के बीच में तो ये कोई रस्सी कोई धागा कोई रॉड कुछ होता नहीं है देर इज नथिंग बिटवीन द टू एटम्स इट इज बेसिकली द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स जो उन्हें साथ में रखती है एंड दैट इज बॉन्ड एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होने से हजारों लाखों करोड़ों अलग अलग चीजें बनती हैं इनफैक्ट जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं इनफैक्ट हम खुद किस चीज से बने हैं एटम्स हैं राइट उसी तरह हमारे आसपास आपको टेबल चेयर जो भी दिख रहा है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम राइट तो आप कुछ चार चीजों के बारे में सोचो लाइक चार बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स जो हमारे आसपास हमें दिखते हैं ठीक है जैसे कि शुगर सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ये चारों चीजें बिल्कुल अलग हैं लेकिन सभी जो है बने हैं एटम्स से लेकिन फर्क क्या है ये सारे अलग अलग एलिमेंट के आइटम्स से बने हैं अलग अलग तरीके से बॉन्डेड है राइट तो इस तरीके से ये जो बॉन्डिंग है ना बॉन्डिंग बिटवीन आइटम्स इज अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग अब देखो बॉन्डिंग हमारी सबसे तो नहीं होती राइट हम जितने भी लोगों को देखते हैं या जितने भी लोगों से मिलते हैं सबसे हमारी बॉन्डिंग बैठती है क्या नहीं बैठती है कुछ ही लोगों से बैठती है उसी तरह से हम यहाँ केमिस्ट्री में देखेंगे कि जो एटम्स हैं उनके बीच में भी जो है ना कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल हैं काफी सारे आपका ऐसे एटम मिल जाएंगे जो कुछ स्पेसिफिक आइटम्स से ही कंबाइन करते हैं सबके साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं उसी तरह हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल्स के कुछ स्पेसिफिक शेप्स होते हैं ऐसा नहीं कि रैंडमली वो कोई भी शेप ले सकता है कुछ डेफिनेट शेप्स होते हैं फिर सबसे बेसिक सवाल कि ये एटम्स जो है ये कंबाइन करते ही क्यों है अब ये एटम्स के कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना कैसे इसके ऊपर हम काफी सारे थ्योरीज डिस्कस करेंगे इनफैक्ट हम मेजरली चार थ्योरी डिस्कस करेंगे तो जो सबसे पहला और पुराना थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉसिलुइस अप्रोच जो आया था अराउंड 1916 फिर हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी जिसे कहा जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ठीक है तो अब ये जो पहली जो थ्योरी है तो ये वाला जो थ्योरी है दिस इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल थ्योरी उस समय क्वांटम अप्रोच नहीं आया था लुइस ने कहा कि अब हम एटम्स को एक नए नजरिए से देखेंगे अभी तक बोहर्स मॉडल के हिसाब से क्योंकि ये जो अप्रोच आया था कोसेल लुइस थ्योरी का आया था बोहर्स मॉडल के आसपास तो बोहर्स मॉडल ने कहा था कि कोई भी एटम के अंदर बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग शेल्स होते हैं जैसे कि के शेल एल शेल एम शेल एन शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ठीक है बट लुइस ने कहा नहीं हम इन चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है अगर हम किसी भी एटम की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि इसका जो न्यूक्लियस और जो अंदर के शेल्स हैं ये सब कुछ को मिला के हम उसे कहेंगे कर्नल तो बेसिकली इस केस में ये बीच वाला न्यूक्लियस और ये अंदर के तीनों शेल्स इन सब को साथ में मिला के हम कहेंगे कर्नल और बचा क्या बाहर का आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल तो लुइस के हिसाब से किसी भी एटम के दो पार्ट्स हैं एक तो है कर्नल और दूसरा है वैलेंस शेल अब लूविस ने ऐसा क्यों किया लेटर सपोज ये दो एटम्स हैं जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इंटरैक्ट कौन कर रहा है कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इस बॉन्डिंग में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनके आउटर मोस्ट शेल में है वही लोग सबसे पहले पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका तो कुछ खास रोल है नहीं तो जब रोल नहीं है तो उनको इन्वॉल्व करके चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना तो उसी वजह से लुविस ने कहा एटम के अंदर एक कर्नल है और एक वैलेंस शेल है तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही सबसे बड़ा रोल है इन टू अंडरस्टैंड द बॉन्ड फॉर्मेशन कि किस तरह से बॉन्डिंग बन रही है ठीक है तो अब इसको थोड़ा और फर्दर मतलब इजी या सिंप्लीफाई करने के लिए लुइस ने कहा कि यार मैं एक नया स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटेशन दूंगा ठीक है तो लुविस ने एक नया स्टाइल दिया जिससे हम हर एक एटम के में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम रिप्रेजेंट करते कैसे हमने एटम का सिंबल लिखा और उसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे कहा जाता है लुविस सिंबल या फिर लुवि डॉट स्ट्रक्चर डॉट क्यों क्योंकि हम डॉट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लियर है यहां तक बहुत बढ़िया तो इससे पहले कि हम कौसल लुइस की थ्योरी के बारे में और ज्यादा जानें सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम लुइस सिंबल्स कैसे लिखते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम लुइस सिंबल कैसे लिखते हैं तो हर एक एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसके सराउंडिंग में जितने नंबर ऑफ डॉट्स हम बनाते हैं दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो चलो कुछ डिवाइस सिंबल्स बना के देखते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि जितने हमारे एलिमेंट्स हैं ना उनको लिख लेते हैं मतलब शुरू के कुछ एलिमेंट्स का तो बना के देख ही लेते हैं तो यहां पर हमारे पहले तीन पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं ठीक है तो चलो इनके सिंबल्स बनाते हैं तो लेट अस सपोज अगर हम बात करते हैं से लिथियम की तो लिथियम का हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली यहां पर हम एक ही डॉट डिनोट करेंगे अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में कितने हैं दो राइट वन एज टू तो इसमें हम दो डॉट्स डिनोट करेंगे कॉसिल ल्यूस का जो ये थ्योरी था इसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी कहा जाता है क्यों क्योंकि ये जो पूरी थ्योरी है ये ये कहता है कि केमिकल बॉन्ड बॉन्ड्स जो बनते हैं दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बताया जाता है इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ठीक है तो मैंने पहले भी जिक्र किया था लुइस के इस अप्रोच में उन्होंने कहा कि सारे जो एटम्स है ना वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं क्योंकि ऑक्टेट अचीव करना मतलब स्टेबल हो जाना ठीक है अब सवाल ये उठता है कि एटम्स जो है अपना ऑक्टेट अचीव कैसे कर पाएंगे तो मोरलेस दो तरीके हैं पहला तरीका है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और दूसरा तरीका है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब आप पूछोगे कि मैम ये दोनों अलग कैसे हैं और ये दोनों क्या हैं चलो देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मतलब मतलब यू समझो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो रहा है मतलब ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन रिच एंड पुअर तो एक आदमी है जो बहुत रिच है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं उसके पास बहुत सारा सामान है उसके पास खाने के लिए भी, भी बहुत कुछ है पहनने के लिए भी बहुत कुछ है सब कुछ है और एक दूसरा बंदा है जो बहुत पुअर है गरीब है उसके पास चीजें नहीं है ठीक है तो ऐसे केस में क्या होगा मतलब क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है 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 जो बहुत रिच बंदा वो अपने थोड़े पैसे पुअर को दे देगा राइट तो इसमें हो रहा ट्रांसफर हो रहा है करेक्ट तो एग्जैक्टली वही वाली चीज होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से भी कुछ कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा जैसे अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम की बात करें सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें क्या होता है राइट right? तो मतलब शेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है तो सोडियम अगर उस एक इलेक्ट्रॉन को दे दे तो वो स्टेबल हो जाएगा है कि नहीं वो अपना ऑक्टेट अचीव कर लेगा करेक्ट बहुत बढ़िया तो सोडियम कौन से कैटेगरी में आया रिच वाले कैटेगरी में दूसरी तरफ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर मुझे कहीं से किसी भी तरह एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा जैसे कि क्लोरीन हेलोजन ग्रुप वाले उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो तो वो है टू एट सेवन यानी कि कोई उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो ऑक्टेट अचीव कर लेगा है कि नहीं तो इस केस में क्या होगा जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या हो जाता है वो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है नेगेटिव चार्ज को दे दिया है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जिस बंदे ने इलेक्ट्रॉन लिया है जैसे कि क्लोरीन वो क्या होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो इस केस में मेरे पास अब क्या रहा एक एन प्लस एक सी माइनस अब ऑपोजिट जो है वो अट्रैक्ट तो करेगा ना भाई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा ना दोनों के बीच में और बॉन्ड क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एन प्लस और सी माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उन दोनों को साथ में रखेगा और उसी को हम कहते हैं बॉन्ड और इस तरह के बॉन्ड को हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बन रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड क्लियर चलो अब समझते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या होता है उसमें ऐसा होता है कि जो दोनों लोग हैं ना दोनों ही पुअर हैं मतलब मैं मतलब एक आदमी पुअर इस सेंस में है कि यार उसके पास थोड़ी बहुत चीजें हैं और दूसरे वाले आदमी के पास भी थोड़ी बहुत चीजें हैं मतलब रिच कोई भी नहीं है अब दोनों ही गरीब है तो क्या हो दोनों ने सोचा यार मेरे पास थोड़ा सामान है तुम्हारे पास थोड़ा सामान है चलो सामान हम शेयर कर लेते हैं तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा ठीक है वैसा वाला लॉजिक मतलब यूं समझो कि यार मेरे पास पास सिर्फ सिर्फ दाल है है और तुम्हारे पास सिर्फ चावल है। अब सिर्फ दाल तो मैं खा नहीं सकती सिर्फ चावल तुम नहीं खा सकते तो चलो शेयर कर लेते हैं दाल चावल खा लेंगे राइट तो वो वैसा वाला फंडा है ठीक है तो शेयरिंग में वो होता है ठीक है तो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मान लो आपके पास क्लोरीन के ही दो एटम्स हैं ठीक है थीके? अब देखो क्लोरीन को क्या चाहिए क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए ठीक है लेकिन मेरे पास जो दोनों एटम है दोनों ही क्लोरीन के हैं तो ये क्लोरीन एटम भी कह रहा है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ये भी कह रहा है मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अब क्या किया जाए अगर ये इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका तो काम बन जाएगा ये स्टेबल हो जाएगा बट ये तो अनस्टेबल हो जाएगा भाई तो इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ तुम्हारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तुम मेरे साथ शेयर करो तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन अब हैं ये दोनों के हैं ये दो इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं ये दो इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं इसका मतलब इसका भी ऑप्टेट कंप्लीट हुआ इसका भी ऑप्टेट कंप्लीट हुआ तो इसे हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पर जब ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन आइटम्स के बीच में शेयर हो रहे हैं तो क्या हो रहा है ये दोनों बंध गए हैं क्योंकि दो जो ये क्लोरीन के एटम हैं इन्होंने इन दोनों को साथ में जोड़ दिया है एक तरीके से राइट right? तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अब जब दो एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तुमने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कि हमने क्लोरीन के केस में देखा ठीक है अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए तुमने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए यानी कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तब बनता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो तो उनके आउटर मोस्ट शेल में उनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में होते हैं छे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स तो उन्हें दो और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अब अगर दो ऑक्सीजन एटम्स हैं ओ ओ दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो दोनों ने कहा चल यार एक काम करते हैं मैं दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं तुम भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करो इससे क्या हुआ इनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड या फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड और दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया अगर मैं तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करूं तुम भी तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तब बनता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन देखो तो बाहर उसका जो वैलेंस शेल है उसमें होते हैं पांच इलेक्ट्रॉन्स तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तीन तो जब दो नाइट्रोजन एटम्स रहेंगे तो वो कहेंगे कि चल यार हम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और बन जाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तो बच्चे अब हम लोग तैयार हैं लूज डॉट स्ट्रक्चर समझने के लिए ठीक है अच्छा इससे पहले कि हम ये प्रोसेस समझना शुरू करें दो एक्सेप्शन के बारे में मैं बता दू एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन जैसे मैंने बताया कि सब स्टेबल होना चाहते हैं तो सब अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं इसका एक्सेप्शन है हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट पूरा करता है मतलब हाइड्रोजन के पास अगर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया तो हाइड्रोजन स्टेबल हो गया ठीक है तो हाइड्रोजन एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो डुप्लेट अचीव करने का एम करता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम जैसा स्टेबल स्टेट अटेन करना चाहता है ठीक है दूसरी बात यह है कि ये जो ऑक्टेट रूल है ना ये ऑक्टेट रूल के दो ही एक्सेप्शन है एक तो हाइड्रोजन जो कि मैंने अभी बताया और दूसरा है बोरॉन ये दोनों एक्सेप्शन हैं जो आठ इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्टेट जो है अचीव नहीं कर पाते हैं ठीक है तो हम लूवी स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे अभी ठीक है और इसे हम सीखेंगे एक फाइव स्टेप प्रोसेस से ठीक है तो बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान देना अगर एक बार ये फाइव स्टेप समझ में आ गया किसी भी मॉलिक्यूल का आप लूव स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हो ठीक है तो हमारा पहला स्टेप होगा काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है क्योंकि एग्जांपल के साथ ही अच्छा समझ आएगा ठीक है तो हमारा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो पहला स्टेप के हिसाब से हम क्या करेंगे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फोर ऑक्सीजन में कितने होते हैं सिक्स लेकिन यहां पर दो ऑक्सीजन आइटम है तो इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि टोटल मेरे कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर प्लस यानी कि सिक्सटीन तो स्टेप वन डन है स्टेप टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल आटम अब कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि यार उस स्ट्रक्चर में बीच में कौन सा वाला आइटम रहेगा जैसे यहां पर कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है बीच में कौन रहेगा तो बीच में जो है कौन रहता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ठीक है तो यहां पर अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन जो है वो मेरा सेंट्रल एटम होगा तो यहां पर कार्बन होगा सेंट्रल एटम स्टेप टू भी हो गया अब देखो ड्रॉ द स्केलेटन ज्वाइन देम है कि कार्बन बीच में रहेगा तो कार्बन बीच में है और उसके दोनों साइड क्या रहेगा ऑक्सीजन ठीक है इसका स्केलिटन बनाएंगे मतलब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बट एक रफ बना लेंगे कैसे बनाएंगे अब इसे जो है ना हम सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करके इस तरीके से बनता है स्केलेटन स्ट्रक्चर ठीक है चलो स्टेप थ्री भी हो गया स्टेप फोर कहता है कि असाइन रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर्स ठीक है अब यहां पर लोन पेयर एक नया टर्म आया लोन पेयर क्या होता है देखो दो तरह के पेयर्स की हम बात करते हैं एक होता है जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स ठीक है और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर्स ठीक है तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है क्योंकि ये हम अक्सर ही यूज करते रहेंगे अब इस लेसन के बाद ठीक है ना तो अब हमें क्या करना है कि जितने इलेक्ट्रॉन बचे अब देखो बचे बोले तो अब मैंने तो ये सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया अब एक सिंगल बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है दो इलेक्ट्रॉन उसी तरह ये एक सिंगल बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा दो इलेक्ट्रॉन तो चौथे स्टेप में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स तो रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल थे सोलह सिक्सटीन सिक्सटीन में से फोर तो हमने यूज कर लिया है राइट right? तो यानी कि हमारे पास अब ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं तो इन ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है वी हैव टू असाइन देम एज लोन पेयर्स लोन पेयर्स मतलब जैसे कि ये था अभी तक मेरा स्केलेटन अब इसमें हम लोन पेयर्स में लगा देंगे मतलब ऐसे ही बिना जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन की तरह इन्हें डाल देंगे ठीक है तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन की तरह हम इसे कहां डालेंगे तो हम शुरुआत करते हैं चलो कॉर्नर एटम से अब जब भी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे ना सेंट्रल एटम बोले तो जो बीच में है और जो बाकी साइड में है उन्हें हम अक्सर कहते हैं कॉर्नर एटम्स ठीक है तो चलो कॉर्नर एटम्स में डाल देते हैं सो लेटे से ये वाली ऑक्सीजन की अगर हम बात करें ठीक है तो हम क्या करेंगे सबको क्या करना है सब को तो अपना वही ऑक्टेट ही पूरा करना है बट अभी उसकी टेंशन मत लो अभी हम क्या करेंगे सिर्फ लोन पेयर्स की तरह ऐड करेंगे जब भी लोन पेयर्स ऐड करो ना दो दो के जोड़े में ऐड करो जैसे टू इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया यहां टू इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया यहां टू इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ठीक है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार इसमें छह इलेक्ट्रॉन अभी मैंने ऐड कर दिए और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास इस बॉन्डिंग के थे तो ऑक्सीजन का मैंने ऑक्टेट पूरा करवा दिया मैं तो बड़ी खुश हूं चलो इसी तरीके से इस ऑक्सीजन में भी डालते हैं लोन पेर से एक, दो तीन चार पांच छह हमने ऐसे डाल दिया यहां भी हमें ऐसा लग रहा है कि यार ऑक्सीजन को छह इलेक्ट्रॉन तो मैंने अभी दे दिए और पहले के ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड वाले थे तो ऑक्सीजन का क्या हुआ फिर से ऑक्टेट पूरा हो गया ठीक है तो ये मेरा चौथा स्टेप था बट अभी तक मेरा पूरा स्ट्रक्चर बना नहीं है पांचवा स्टेप कहता है कि कन्वर्ट लोन पेयर इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स जितने भी एटम्स हैं चाहे वो सेंट्रल एटम हो चाहे वो कॉर्नर एटम हो सबका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए अभी इसका एक एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन एक्सेप्शन कौन होता है हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन के केस में ना ऑक्टेट पूरा नहीं होता है हाइड्रोजन के केस में पूरा होता है डुप्लेट मतलब हाइड्रोजन को अगर दो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो वो सुपर डुपर खुश ठीक है बाकी सबके लिए हम बात करते हैं ऑक्टेट की अब हमें अब क्या चेक करना है फिफ्थ स्टेप में हमें चेक करना है कि यार यहां पर जितने ऑक्सीजन है जितने कार्बन है सबका ऑक्टेट कंप्लीट तो हो रहा है तो अब जब मैं देखती हूं तो चलो ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो रहा है बट कार्बन का क्या कार्बन के पास तो एक दो तीन और चार मतलब एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास तो बेचारा सिर्फ चार ही इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि कार्बन को अभी और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कार्बन नीड्स इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट अचीव करने के लिए तो फिर क्या किया जाए अब ऑक्टेट अचीव कराने के लिए क्या कह रहा है पांचवा स्टेप ये कह रहा है कि लोन पेयर्स को जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो कैसे हम क्या करेंगे कि ये ऑक्सीजन था ये कार्बन और ये वापस से ऑक्सीजन हम बोलेंगे कि यार ऑक्सीजन तुम्हारा जो ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है ना इन दो इलेक्ट्रॉन को जो है ना हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं उसी तरह हम इस ऑक्सीजन को बोलेंगे कि यार ये दो इलेक्ट्रॉन को जो है हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं उससे क्या होगा मतलब दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा और तो एक तो ऑलरेडी है तो ये दो इलेक्ट्रॉन गायब हो गए यहां पे डबल बॉन्ड आ गया यहां के दो इलेक्ट्रॉन गायब हो गए यहां डबल बॉन्ड आ गया ठीक है तो अब मेरा ऑक्सीजन के में क्या रहा यहां पर चार इलेक्ट्रॉन यहां पर भी चार इलेक्ट्रॉन ठीक है बात समझ आई सबको तो हमने क्या किया अब देखो क्या हुआ अब ऑक्सीजन का तो अभी भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है ठीक है पहले क्या था छह लोन पेयर्स थे और दो बॉन्डेड पेयर्स थे अब चार लोन पेयर्स है चार बॉन्डेड पेयर्स है बट क्या फर्क पड़ता है टोटल तो आठ है ना तो अभी क्या है मेरा ऑक्सीजन हैप्पी है बिल्कुल हैप्पी है उसके पास ऑक्टेट है ये वाला ऑक्सीजन भी हैप्पी है और साथ ही कार्बन भी हैप्पी है क्योंकि कार्बन के पास अब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ इलेक्ट्रॉन्स बन गए करेक्ट तो अब क्या हुआ अब सब लोग हैप्पी है ठीक है तो जब कभी भी ये देखना हो कि सबका ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं तो देखो कार्बन के सराउंडिंग कितने हैं इस गोले के अंदर कार्बन के आठ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इस गोले के अंदर ऑक्सीजन के आठ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और इस गोले के अंदर इस वाले ऑक्सीजन के आठों इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तो ओवरऑल ओवरऑल क्या हुआ मेरे कार्बन और दोनों ऑक्सीजन कार्बन भी हैप्पी दोनों ऑक्सीजन भी हैप्पी तो सब लोग हैप्पी हो गया यानी कि मेरा लुईस स्ट्रक्चर बन गया तो यही मेरा लुईस स्ट्रक्चर है बट अब अगर मैं पूछूं कि यार जब पूरे मॉलिक्यूल पे माइनस टू चार्ज है मुझे यह जानना है कि सिर्फ कार्बन पे कितना चार्ज है या फिर जो तीन ऑक्सीजन एटम्स हैं, वो एक एक ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज है ये हम कैसे बता सकते हैं तो यहां पर हम लेके आते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज तो फॉर्मल चार्ज हमें यह बताएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर कितना चार्ज है ठीक है तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं तो किसी भी कंपाउंड में लेट अस सपोज हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन है उसका अगर मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं हम कहते हैं कि कार्बन के जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली फ्री स्टेट में उससे सब्ट्रैक्ट कर दो जितने इलेक्ट्रॉन्स हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लूएस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कार्बन को दिए हैं ठीक है थीके? तो जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन समझ आया एम्परेटिव श्योर sure अधिकतर बच्चों को नहीं आया होगा तो चलो हम इसे करके देखते हैं बिल्कुल कैलकुलेट करके देखेंगे और साथ ही हम एक फॉर्मूला भी देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है जिसके हेल्प से हम फटाफट फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो देखो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे कि फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है हम पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को इनफैक्ट इसी को यूज कर करके हम हर मॉलिक्यूल का निकालेंगे हर एटम का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे बट इसे हम थोड़ा रुक के देखेंगे पहले हमने अभी क्या सीखा कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है अभी हमने डेफिनेशन सीखा इसका कि ये चीज क्या होती है तो बेसिकली ये क्या होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आइसोलेटेड एटम ठीक है माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम इन रिवाइज स्ट्रक्चर ठीक है बेसिकली इसका डेफिनेशन तो यही था ठीक है तो इस डेफिनेशन से पहले रिलेट करते हैं चीजों को एक एग्जाम्पल लेते हैं लेट अस सपोज हम बात करते हैं से कार्बन की ठीक है तो कार्बन का आइसोलेटेड स्टेट क्या होगा आइसोलेटेड स्टेट या फ्री स्टेट जो भी कह लो तो कार्बन के फ्री स्टेट की बात करेंगे हम और कार्बन के हम लेट्स से लुइस लिवाइस स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे इफ इट इज प्रेजेंट इन सीओ टू ठीक है तो मतलब फ्री स्टेट में कार्बन क्या है नॉर्मल कार्बन और जब लिवाई स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं वो है सीओ टू ठीक है अब मुझे अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है कार्बन का तो हम कैसे निकालेंगे तो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वैलेंस इन फ्री स्टेट या फिर आइसोलेटेड स्टेट तो आइसोलेटेड स्टेट में कितने हैं नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फोर हम सबको पता है कार्बन का फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है अब लिवाई स्ट्रक्चर की बात करते हैं सीओ टू का लिवाई स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये तो नहीं बताऊंगी अब मैं इतने देर से वही सिखा रही थी राइट right? और मुझे पक्का पता है कि सबने सीख भी लिया है तो कुछ इस तरीके का दिखता है इसका लिवाइ स्ट्रक्चर ठीक है तो यहां पर हम कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स असाइन कर रहे हैं सिर्फ कार्बन को ठीक है अब आप बोलोगे कि कार्बन का तो ऑक्टेट है ऑक्टेट तो है बट वो ऑक्टेट के आठों के आठ इलेक्ट्रॉन कार्बन के थोड़ी थो है उसमें से ऑक्सीजन भी तो शेयर कर रहा है कार्बन के साथ तो अगर सिर्फ कार्बन की बात करूं जैसे ये बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है तो दूसरा ऑक्सीजन का है इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है दूसरा ऑक्सीजन का है उसी तरह इस बॉन्ड में ये कार्बन का है ये ऑक्सीजन का है ये कार्बन का है ये ऑक्सीजन का है तो कार्बन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है तो अब अगर मुझे कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज इस केस में क्या हो जाएगा मतलब CO2 में अगर मैं कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालू सो दैट विल बी इक्वल टू फोर माइनस फोर विच इज इक्वल टू जीरो तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज इन CO2 टू इज जीरो सबको समझ आया ये मैंने क्या किया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया बट ऐसा जो है ना हर कंपाउंड के लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि तो CO2 था, था, तो था था सिंपल हमने कर लिया बट इसी चीज को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मतलब बाकी सारे कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होने के लिए हमने इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके ये फॉर्मूला निकाला है तो हमने इसको सिंप्लीफाई कुछ इस ढंग से किया ताकि हमेशा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें ये लिवाइस स्ट्रक्चर बनाना ना पड़े यहाँ तो सीओ था तो हमने फटाक से बना लिया बट हमेशा बनाना मुश्किल पड़ेगा राइट तो ये बनाना ना पड़े और उसी लिए हमने क्या किया कि देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू कार्बन है वो बेसिकली पता है हम कैसे निकालते हैं वो हम ऐसे निकालते हैं कि कार्बन के ऊपर टोटल लोन पेयर्स कितने हैं अगर यहां की बात करें तो कार्बन के ऊपर लोन पेयर्स कितने हैं 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 लोन पेयर हो गया उसके साथ साथ हम जोड़ देते बॉन्डेड बॉन्डेड अब कार्बन के देखो कितने है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ राइट तो इसके साथ हम सारे बॉन्डेड पेयर्स जोड़ देते हैं बट ये बॉन्डेड पेयर के सिर्फ आधे ही कार्बन के खुद के हैं राइट तो इसीलिए इसका हाफ कर देते हैं तो ये क्या निकलता फोर तो बेसिकली वही हमने निकाला यहां पर कितने हैं कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स फोर तो, तो बेसिकली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हाफ क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से आधे तो पड़ोसी के है और आधे हमारे खुद के हैं राइट right? सबको समझ आ गया तो इस तरह से आया हमारा ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन का फॉर्मूला ठीक है तो आई एम श्योर के बच्चों को अब आ गया होगा कि फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं लेकिन एक छोटा सा सवाल कि अचानक हमने फॉर्मल चार्ज की बात ही क्यों की इसका सिग्निफिकेंस क्या है तो देखा होगा जब हम लोग लूवी स्ट्रक्चर कर रहे थे तो काफ़ी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आ रहे थे जिनके अंदर एक से ज़्यादा लूव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे जैसे कार्बोनेट आयन ही एक एग्जाम्पल है जिसके हमने तीन लूव स्ट्रक्चर्स बनाए थे हमने कहा था तीनों पॉसिबल है तो जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं जिसमें एक से अधिक लूव स्ट्रक्चर पॉसिबल है और हमें यह बताना होता है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा तो हम कैसे बताते हैं हम कहते हैं कि यार जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम होगी वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी अब किसकी एनर्जी सबसे कम होगी यहाँ पर फॉर्मल चार्ज हमें थोड़ी मदद करती है तो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज जो है एटम्स का वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसकी एनर्जी भी सबसे लोएस्ट होती है तो इस तरह के सिचुएशन में ये जो फॉर्मल चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रियली हेल्पफुल तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि ये जो ऑक्टेट रूल था ये काफ़ी यूजफुल था इससे हमने अभी अभी देखा कि कितने सारे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को हम बता पाए लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यूनिवर्सल नहीं था ये सारे एलिमेंट्स के लिए सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ये लागू नहीं हो रहा था जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो हमारा सेकेंड पीरियड है उसके एलिमेंट्स के लिए तो ये रूल बिल्कुल परफेक्ट था बट बाकियों के लिए नहीं तो चलो हम बात करते हैं कि लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल क्या क्या थे तो सबसे पहला लिमिटेशन था कि बहुत से केसेस में जो सेंट्रल एटम था उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था सो इनकंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम तो स्पेशली ये देखा जा रहा था वैसे एलिमेंट्स के केस में जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वेर लेस देन फोर तो यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं एल की तो लिथियम में एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में कितने हैं सेवन तो अब ये दोनों मिलके एक बॉन्ड तो बना लेते हैं तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है लेकिन अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है उसी तरीके से अगर हम बीई बेरियम हाइड्राइड की बात करें तो वहां पर भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है बेरिलियम में जो है दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है तो वो बॉन्ड तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं अब हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है दोनों हाइड्रोजन का बट जब हम बेरिलियम को देखते हैं तो बेरिलियम का ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट ऑन सिमिलर ग्राउंड अगर हम बात करें बी की बोरोन क्लोराइड तो इसमें भी हम यही देखते हैं कि बोरोन में कितने होते हैं बोरोन में तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो यहां हम देखते हैं कि ये जो तीनों क्लोरीन है इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है लेकिन जब हम बोरोन की बात कर रहे हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये जो है कुछ लिमिटेशंस रह गई थी इस ऑक्टेट रूल में दूसरा लिमिटेशन था इन केस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड NO इनके केस में भी हम देख रहे थे कि जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था चलो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं से हम नाइट्रिक ऑक्साइड NO का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पांच और ऑक्सीजन में कितने होते हैं छ तो ये आपस में इस तरह से डबल बॉन्ड बना तो लेते ही हैं और ये एग्जिस्ट भी करता है अब बट इन इसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है लेकिन जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट जो है ये कंप्लीट नहीं हो रहा है तीसरा लिमिटेशन था एक्सपैंडेड ऑक्टेट तो अब यहां हम देख रहे थे अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि यार सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना है अब हम देख रहे थे कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम है उनमें आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे थे राइट right? तो ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा था ऐसा स्पेशली वैसे एलिमेंट्स में देखने को मिल रहा था जिनके एटॉमिक नंबर थोड़े ज़्यादा है जहाँ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में थ्री डी इन्वॉल्व हो रहा था सो जहाँ थ्री डी वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे वहाँ पर इस तरह के डिफ़िकल्टीज भी देखने को मिल रही थी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं चाहे वो पी एफ फाइव हो चाहे वो एस एफ सिक्स हो चाहे वो एच टू एसओ फोर हो इन सब में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक्सपैंडेड देखने को मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंट्रल एटम पे फोकस करें लेट से फॉस्फोरस पे फोकस करें तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस विच इज मोर देन एट उसी तरह अगर सल्फर की बात करें एस में तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह विच इज अगेन मोर देन एट इसीलिए इन्हें कहा जाता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट एक्सपैंडेड ऑक्टेट मतलब इनके पास आठ से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट right? अच्छा इसका ये मतलब नहीं है कि यार सल्फर यहाँ पर आप दो जगह देख रहे हो सल्फर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सल्फर के जितने भी बनेंगे ना कंपाउंड हर जगह एक्सपैंडेड ऑक्टेट होगा कहीं कहीं पे ऑक्टेट रूल ओबे भी होता है जैसे अगर हम बात करें सल्फर क्लोराइड की एस सी एल टू तो वहां पर हम क्या देखते हैं कुछ इस तरह का बनता है क्लोरीन में सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सल्फर में सिक्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में इस तरह का बॉन्ड बनता है तो यहां पर अगर आप देखो तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है और सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो यहां पर ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर ऑक्टेट इज ओबेड चौथा लिमिटेशन अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से हर एक एलिमेंट जो है हर एक एटम जो है वो अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल होना चाहता है तो यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे नोबल गैसेस हैं वो तो ऑलरेडी स्टेबल है तो उन्हें तो कभी किसी के साथ मिल करके कोई कंपाउंड बनाना ही नहीं चाहिए बट ऐसा था नहीं हम देख रहे थे कि कुछ कंपाउंड बने हुए थे जैसे कि एक्स ई एफ टू जेनॉन फ्लोराइड जेनॉन तो नोबल गैस है तो ये फिर कंपाउंड कैसे बनाया क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल था उसी तरह से क्रिप्टन फ्लोराइड के आर एफ टू ये कंपाउंड भी था तो इस तरह के काफी सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे थे जहां पर नोबल गैसेस वो कंपाउंड्स बना रहे थे तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था ऑक्टेट रूल का लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ये ऑक्टेट रूल था और कोसल लुइस का जो ये पूरा थ्योरी था इस थ्योरी से हमें बॉन्डिंग काफी हद तक समझ तो आया था बट इट डिड नॉट टेल एनी थिंग अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कि ये जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इन सारे मॉलिक्यूल्स के अलग अलग शेप्स होते हैं शेप्स कैसे होते हैं क्यों होते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया तो आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवाट बॉन्ड भी कहा जाता है ठीक है बहुत बढ़िया अब अब हम देखने वाले ये हैं कि ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या या फिर ये जो आयोनिक बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है कौन से सिचुएशन में बिल्कुल स्टेबल आयोनिक कंपाउंड्स बनेंगे बिल्कुल स्टेबल आयोनिक बॉन्ड्स बनेंगे वो हम समझेंगे ठीक है ठीक है अब आयोनिक बॉन्ड में होता क्या था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें हमने देखा था एक अमीर आदमी है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं दूसरी तरफ एक गरीब आदमी है जिसे पैसे की बहुत जरूरत है तो ट्रांसफर ऑफ पैसा फ्रॉम अमीर आदमी टू तो गरीब आदमी यही होता था हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ठीक है तो ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम तीन कॉन्सेप्ट समझेंगे ठीक है बहुत ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तीन कॉन्सेप्ट समझेंगे कौन से अब ये तीनों कॉन्सेप्ट को जो है ना हम केमिस्ट्री की तरह कम और कहानी की तरह ज्यादा समझेंगे तो अगर कहानी समझ में आ गया ना तो केमिस्ट्री अपने आप समझ में आ जाएगा ठीक है तो पहला पहला कॉन्सेप्ट हमारा है आयोनाइजेशन एन यानी कि जो अमीर आदमी है उससे पैसे निकलवाना कितना आसान या कितना मुश्किल है सो so, वो बात करेंगे हम इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि जो गरीब आदमी है वो कितना उत्सुक है पैसा लेने के लिए कितना बेचैन है वो पैसे लेने के लिए ठीक है और जो तीसरा है वो है लैटिस एंथैल्पी, यानी कि जब अमीर आदमी पैसे दे देता है गरीब आदमी पैसे ले लेता है और जब ये दोनों मिलते हैं तो कितनी हैप्पीनेस या फिर कितनी एनर्जी जनरेट होती है कितनी एनर्जी रिलीज होती है तो कुल मिलाकर हम ये तीन चीजों के बारे में बात करेंगे अगर आपको ये तीनों concept समझ में आ गया ना तो आपको ये पूरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का concept हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर एग्जैक्टली ठीक है तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम आयोनाइजेशन एंथेल्पी की ठीक है आयोनाइजेशन एनथेल्पी क्या होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैशियस आइटम ठीक है अच्छा मतलब हम अपने स्टोरी के हिसाब से चलेंगे अमीर आदमी है बहुत रईस है बंदा उसके पास बहुत पैसे हैं ठीक है ठीके? लेकिन उस बंदे से पैसे निकालने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा राइट उसके पास बहुत पैसे हैं वो पैसे देना भी चाहता है बट वो पैसे किसको देगा मतलब हमें उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा हाँ कि यार ये जरूरतमंद है इसे तुम पैसे दे दो या कोई उसको जाके बोले कि मुझे पैसे दे दो मुझे पैसे की जरूरत है सो वट आई एम ट्राइंग टू से इज उस रिच बंदे से पैसे निकलवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी तभी वो पैसे निकालेगा ठीक है तो इसका मतलब पैसा क्या है इलेक्ट्रॉन तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा हमें एनर्जी देनी पड़ती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसका मतलब ये जो आयोनाइजेशन एंड है ये किस तरह का प्रोसेस है एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है ठीक है अब केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करते हैं सोडियम रिच बंदा है क्यों रिच है वो क्योंकि उसके पास ना एक, एक, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो चाहता है कि यार कहीं पे मुझे कोई गरीब आदमी दिख जाए मैं उसे ये इलेक्ट्रॉन दे दूं राइट वही उसका एटीट्यूड होता है क्योंकि उसे भी स्टेबल होना है ठीक है तो सोडियम मेरा रिच आदमी है तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं थोड़ी एनर्जी देता हूं तो जब हमने एनर्जी लगाया तो सोडियम ने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हमारा ऐसा कुछ इक्वेशन बन गया सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम क्या बन गया सोडियम पॉजिटिव पॉजिटिव आयन बन गया ठीक है क्लियर हो गया सबको यह है आयोनाइजेशन इन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन इन अब जो मेरा गरीब आदमी है उसे क्या है उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ठीक है तो उस आदमी के साथ ऐसा है कि उसके पास पैसे है ही नहीं हो सकता है कि उसने मतलब दो दिन से खाना भी नहीं खाया है उसके पास कुछ भी नहीं है तो ऐसे आदमी को जैसे ही पैसा दिखेगा तो वो वेट करेगा क्या आपकी की? आप रिक्वेस्ट करो कि लो भैया प्लीज ले लो नहीं वेट करेगा ना उसे तो जरूरत है उसे जैसे ही पैसे दिखेंगे वो फटाक से पैसे ले लेगा करेक्ट तो इस केस में क्या हमें एनर्जी देने की जरूरत है नहीं बल्कि क्या होगा यहां पर उस गरीब आदमी को जैसे ही वो पैसे मिलेंगे वो पैसे पाकर वो बहुत खुश हो जाएगा राइट तो जब वो इतना खुश हो जाएगा तो क्या होगा एनर्जी रिलीज होगी राइट तो इस स्टोरी से आपको यही याद रखना है मेन यही है तो इस केस में क्या होगा एनर्जी रिलीज होगी ठीक है तो जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अधिकतर एलिमेंट्स के लिए अधिकतर एटम्स के लिए क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है ना वो हमेशा नेगेटिव रहती है हमेशा तो नहीं रहती है अधिकतर एटम्स के लिए नेगेटिव रहती है अब मैं ये बार बार अधिकतर अधिकतर क्यों बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन कौन है हम अपनी कहानी में देखते हैं एक्सेप्शन है साधु लोग हमने साधु संत की बात की थी स्टार्टिंग में कौन है साधु संत हमारे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस एग्जैक्टली क्योंकि वो स्टेबल है वो मोह माया से ऊपर है उन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें पैसा नहीं चाहिए उन्हें सामान नहीं चाहिए राइट तो अब आप ऐसे सोचो कि कोई रिच बंदा है उसने इलेक्ट्रॉन दिया उसने पैसे दिए लेकिन अगर आप वो पैसे कोई साधु को देने जाओगे या कोई बहुत संत महात्मा टाइप के किसी इंसान को देने जाओगे तो वो क्या कहेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए क्योंकि ये जो है ना मेरे मेंटल पीस और वो सबको डिस्टर्ब कर देगा तो मुझे नहीं चाहिए तो ऐसे बंदे को जब आपको वो इलेक्ट्रॉन देना होगा तो आपको अपने तरफ से काफी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं प्लीज आप ले लीजिए तो मतलब आपको एनर्जी लगाना पड़ रहा है राइट तो देखो केमिस्ट्री में भी वही हो रहा है नोबल गैसेस के केस में नोबल गैस जो है वो स्टेबल स्टेट में है उनको चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो तो स्टेबल हैं बट अगर हम बोलेंगे नहीं यार प्लीज़ एक इलेक्ट्रॉन तो लेना ही पड़ेगा अगर हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे तो क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम डाल भी देते हैं एक तो वो नोबल गैस बिल्कुल अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा ऊपर से वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ना उसे अगले शेल पे जाना होगा तो मतलब उसे इस शेल से अगले शेल में जाने के लिए काफी एनर्जी चाहिए होगा जो हमें देना पड़ेगा तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एन जो है वो नोबल गैसेस के केस में पॉजिटिव होता है सबको समझ आ गया तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अरे एग्जाम्पल भी तो लेंगे हाँ चलो लेते हैं एग्जाम्पल में हम लेते हैं क्लोरिन क्लोरिन को क्यों लिया अब नोबल गैसेस को तो ले नहीं सकते क्योंकि वो तो एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में है तो क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो ये कहता है कि उसे ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसके बैलेंस शेल में सात इलेक्ट्रॉन है उसे एक की जरूरत है कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा तो क्लोरीन फटाक से ले लेगा ठीक है तो वही होता है तो अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके बना देता है क्लोरीन माइनस आयन ठीक है और इसी के साथ में रिलीज होता है एनर्जी ठीक है सबको क्लियर हो गया बहुत बढ़िया तो इसका मतलब ये जो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर एक आयोनिक बॉन्ड बनना है तो वो दो ऐसे एलिमेंट्स के बीच में बनेगा जिसमें से एक एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम हो यानी कि एक एलिमेंट एक ऐसा रिच आदमी हो जिसको जरा सा एनर्जी डालने से ही वो पैसे दे देगा राइट right? हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जरा सा एनर्जी दिया पैसे निकल आए यानी कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू हो नेगेटिव क्यों क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो रिलीज़ होनी चाहिए वो एनर्जी और वेरी हाई वैल्यू क्यों क्योंकि अगर गरीब आदमी ऐसा है ना जिसे बहुत डेस्परेटली पैसे चाहिए तो जैसे ही उसे पैसे मिलेंगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएगा बहुत खुश हो जाएगा तो बहुत एनर्जी रिलीज होगी राइट तो मतलब आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जिसका लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दूसरा एलिमेंट ऐसा चाहिए जिसका वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो क्लियर है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ठीक है बहुत बढ़िया अब तीसरे कॉन्सेप्ट जाते हैं अब हुआ क्या केमिस्ट्री के टर्म्स में मेरे पास एक एन ए प्लस बन गया एक सी एल माइनस बन गया है ठीक है अब क्या होगा एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन क्या करेगा एट्रैक्ट करेगा एनए प्लस सीएल माइनस बनाएगा एनए ठीक है अब ये बनाने के लिए क्या हमें एनर्जी देनी पड़ेगी बिल्कुल नहीं बल्कि जैसे ही ये बनेगा तो ढेर सारा एनर्जी रिलीज होगा और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं लैटिस या फिर एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन तो लैटिस एंथैल्पी को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर मेरे पास वन मोल ऑफ एन है ठीक है उसे अगर मुझे Na+ और सी एल माइनस में तोड़ना हो तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा राइट तोड़ने के लिए कोई भी सामान को अगर तोड़ना है जैसे कोई सामान से इलेक्ट्रॉन निकालना है कोई सामान को तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा खुद से तो नहीं होगा अब मान लो मेरे हाथ में यह कंघी है अगर मुझे इसे तोड़ना है खुद से टूटेगा क्या मैं इसको बोलूंगी टूट जा टूट जा टूटेगा क्या नहीं टूटेगा राइट तोड़ने के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा है ना तो अब एन को अगर मुझे Na+ और Cl- माइनस में तोड़ना है तो जो एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी दैट इज लैटिस एंथेल्पी यही लिखा होगा आपके टेक्स्ट बुक में ठीक है इनफैक्ट यही होता है लैटिस एंथेल्पी तो मैंने अभी जो बोला वो भी मैंने सेम चीज बोली राइट तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं Na, NaCl से Na+ प्लस माइनस तोड़ना है तो एनर्जी हमें देना पड़ेगा दैट इज लैटिस एंथेल्पी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला? Na और Cl minus, जब मिलेंगे, तो बनाएंगे NaCl, उस केस में एनर्जी रिलीज होगी तो, वो एनर्जी है, तो बेसिकली मैं उसी एनर्जी की बात कर रही हूं एक बार मैं दोनों के फॉर्मेशन की बात कर रही हूं तब एनर्जी रिलीज हो रही है और दूसरे केस में मैं उनके टूटने की बात कर रही हूं जब एनर्जी हम दे रहे हैं ठीक है क्लियर हो गया सबको तो ये तीन चीजें पढ़ी हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी अब देखो अब हम बात करेंगे NaCl का एग्जांपल लेंगे और हम देखेंगे कि ये जो तीनों चीजें हैं इन तीनों चीजों की एक्चुअली में क्या वैल्यूज आती हैं फॉर NaCl ठीक है तो अगर हम पूरे NaCl के फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन होगा कैसे Na+ Na+ प्लस, और Cl- ये मिलके ही बनाएंगे NaCl तो तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए Na+ तो हम देखते हैं कि जो एंथाल्पी है Na+ पाने के लिए Na+ कहां से आएगा Na से आएगा तो सोडियम से हमें एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा तब हमें Na+ मिलेगा और इसके लिए क्या चाहिए होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए तो वो जो वैल्यू है 495.8 किलो जूल पर मोल ठीक है अब Cl माइनस कहां से आएगा ऑब्वियसली Cl से तो यानी कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा Cl माइनस बनाने के लिए राइट तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cl- बनाने के लिए इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा इसीलिए आप देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन है क्योंकि ये वाली जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज रिलीज ठीक है एंड दिस वैल्यू इस केस में ये वैल्यू कितनी है माइनस थ्री फोर्टी एट पॉइंट सेवन किलोजूल ठीक है तो मतलब ये दोनों स्टेप से हमारे पास एन ए प्लस और सी एल माइनस आ गया ठीक है अब एनए प्लस और सी एल माइनस ये दोनों मिल करके बनाएगा NaCl। अब चूंकि ये दोनों मिल करके एन बना रहे हैं तो इस प्रोसेस के दौरान भी बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा और इसीलिए इसका भी जो साइन है नेगेटिव। और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं लैटिस राइट या फिर एंथेल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन जो भी कह लो एंड इसकी जो वैल्यू है दैट इज माइनस सेवन एटी एट किलो जूल पर मोल अब इन वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है देखो जब हम एन फॉर्मेशन के प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो मेरा इनपुट साइड में क्या है पहले दोनों स्टेप राइट right? क्योंकि इनपुट मेरा क्या है कि मुझे लेके आना है मुझे सी माइनस लेके आना है और आउटपुट साइड में क्या है ये तीसरा नंबर स्टेप जब मुझे NACL मिल रहा है तो इनपुट साइड में मतलब जो एनर्जी हम डाल रहे हैं उस इनपुट साइड में मेरा टोटल एनर्जी कितना होगा 495.8 नाइंटी फाइव पॉइंट एट माइनस थ्री ये हो जाएगा मेरे इनपुट साइड का एनर्जी राइट सो विल कम आउट टू बी पॉजिटिव 150 के आसपास आएगा करेक्ट अच्छा तो इनपुट साइड में मेरा कोई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी रहेगा, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब ये प्लस और सी एल माइनस जुड़ के एन ए सी एल बना रहा है तब जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज लॉट मोर द एनर्जी दैट वी गिवन और वही हमारा आइडियल सिनेरियो होता है हम हमेशा यही चाहते हैं कि यार हम जो है ना मतलब कोई भी क्या चाहता है आप भी क्या चाहते हो कि यार हम ना मेहनत कम करें लेकिन हमें मिले बहुत बढ़िया रिजल्ट राइट तो कुछ वैसा ही सिचुएशन यहां पर है तो NACL के, के केस में हम देखते हैं कि इनपुट की जो हमारी एनर्जी है उससे कई ज्यादा जो है लैप एनथेलपी है ऑफ एन तो बच्चों एन एस सी एल के इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया हमें ये समझ में आया कि अगर हमें एक स्टेबल आयोनिक कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए ये तीन कंडीशन मीट होने चाहिए पहला हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो हो हमें दूसरा एलिमेंट ऐसा चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नेगेटिव वैल्यू हो और जो हमारा लैटिस एंथेल्पी का वैल्यू है दैट शुड बी अ हाई नेगेटिव वैल्यू क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लैटिस एंथेल्पी है ना उसमें एनर्जी खूब सारी रिलीज हो क्योंकि मैंने बताया कि हम सबका यही एटीट्यूड रहता है कि यार इनपुट कम देते हैं थोड़ा सा बट आउटपुट खूब सारा मिले तो लैटिस एंथेल्पी हमारा वही वाला आउटपुट है है ना तो ये हमने सीख लिया और समझ भी लिया अब जैसा कि हमें पता है कि लैटिस जो है दैट इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो लैटिस एन्थेल्पी कैलकुलेट करने के लिए हमें इस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से आइडिया होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम एन की बात करें तो एन का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जैसे कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल वगैरह वगैरह तो इन्हीं चीज़ों को हम एक साथ में कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स तो बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड 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 ऑर्डर, पोलैरिटी राइट तो चलो एक के बाद एक सबको डिस्कस करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं बॉन्ड लेंथ से। तो क्या होता है बॉन्ड लेंथ? लेट अस सपोज ये दो एटम्स हैं और ये बॉन्ड बना रहे हैं तो इनके जो बॉन्ड का लेंथ है वो क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन पर्पल न्यूक्लियस एंड येलो न्यूक्लियस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी द बॉन्ड लेंथ राइट काफी ऑब्वियस है अब बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि अगर एटम का साइज बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा कैसे लेटर सपोज अब मैंने एक बड़ा एटम ले लिया है राइट right? तो अब क्या होगा ये जो डिस्टेंस है पहले इतना ही था अब मेरा डिस्टेंस इतना हो गया करेक्ट तो जो मेरा बॉन्ड लेंथ है वो क्या हुआ वो बढ़ गया अगर ये दोनों ही एटम्स काफी बड़े साइज के हैं तो उस केस में इनका लेंथ जो है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा राइट right? तो बेसिकली वी कैन से दैट द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम्स उसी तरीके से बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स अब ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है हमने पढ़ा था राइट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या हो रहा है उसमें बॉन्ड मल्टीप्लाई हो रहा है पहले सिंगल था फिर डबल फिर ट्रिपल तो जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा यानी कि सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा लेंथ होगा उससे छोटा डबल बॉन्ड उससे छोटा ट्रिपल बॉन्ड ठीक है ग्रेट अगर मान लो जो दो एटम्स हैं मतलब जिस बॉन्ड की मैं बात कर रही हूं वो जिन दोनों एटम्स के बीच में बन रहा है अगर ये दोनों एटम्स सेम है मतलब अगर ये भी क्लोरीन एटम है ये भी क्लोरीन एटम ही है यानी कि दोनों का साइज सेम है उस केस में हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है उसका हाफ क्या होगा एटॉमिक रेडियस राइट ये एक एटम है ये एक एटम है, है ये इनके बीच का बॉन्ड लेंथ है इसका आधा क्या हो जाएगा एटॉमिक रेडियस राइट लेकिन अगर ये दोनों अलग-अलग एटम्स -अलग हैं राइट right? तो उस केस में क्या होगा इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है ये दोनों अलग होगा सो आर वन एंड आर टू विल बी डिफरेंट जब भी हम एक बॉन्डेड पेयर की बात करते हैं जैसे कि ये दो एटम्स जो बॉन्डेड हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड है तो हम क्या देखते हैं कि दोनों ही एटम का बॉन्ड लेंथ में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है राइट फॉर एग्जाम्पल ये दोनों एटम बॉन्डेड है इनका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा ये लगभग ये इनका बॉन्ड लेंथ है राइट right? अब इस बॉन्ड लेंथ का इतना पोर्शन जो है वो पर्पल एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन है और इतना पोर्शन जो है वो येलो एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि इतना पोर्शन जो है वो पर्पल एटम का रेडियस है उसी तरह ये वाला जो लेंथ है दैट इज येलो एटम का रेडियस अब इस रेडियस को हम कौन सा नाम देंगे ये डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है ठीक है अगर इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से तो हम इसे कहेंगे कोवेलेंट रेडियस अगर इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्डिंग है तो हम कहेंगे इसे आयोनिक रेडियस अगर इन दोनों के बीच में मेटालिक बॉन्ड है तो हम इसे कहेंगे मेटालिक रेडियस ठीक है तो रेडियस का ही प्लूरल होता है रेडियाई तो कोवेलेंट रेडियाई आयोनिक रेडियाई एंड मेटालिक रेडियाई ठीक है तो जो तीनो न, ये जो तीनों एग्जाम्पल थे ना ये तीनों जो टाइप थे ये तीनों बॉन्डेड सिचुएशन की बात कर रहे थे जब ये दोनों एटम बॉन्डेड है इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है अब अगर मैं नॉन बॉन्डेड सिचुएशन की बात करूं कि मतलब ये दो एटम तो हैं बट दे आर नॉट बॉन्डेड इनके बीच में बॉन्ड नहीं है उस केस में हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं वेंडर वॉल्स रेडियस तो वेंडर वॉल्स रेडियस जो है ये एक किसी भी आटम का जो पूरा साइज़ है ना उसका एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है तो जब मैं कहती हूँ कि अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है मतलब जैसे मान लो ये मेरा एक एटम है तो इसका एक रफली पूरे एटम का साइज का आइडिया देता है एज इन इसका जो वैलेंस शेल है वो वैलेंस शेल जब किसी और के साथ बॉन्डेड नहीं है मतलब ना तो शेयरिंग है ना ही ट्रांसफर कर दिया है ना लिया है ना दिया है ना, ना शेयर किया है वैसे कंडीशन में इसके वैलेंस शेल को कंसिडर करते हुए इसके साइज का आइडिया देता है एंड दैट इज वैंडर वॉल्स रेडियस ठीक है क्लियर है यहाँ तक अब अब मैं बताऊंगी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपने अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये वाला फोटो देखा होगा देखा है बिल्कुल देखा होगा ठीक है बहुत से बच्चों ने इग्नोर मार दिया होगा बहुत से बच्चों ने देखा होगा बट ठीक से समझ नहीं आया होगा और बहुत लोगों ने फोटो पे ध्यान दिया होगा तो उन्हें डिफरेंस समझ आया होगा राइट तो ये फोटो ये कह रहा है कि जो कोवेलेंट रेडियस है और जो वेंडर वॉल्स रेडियस है इन दोनों में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन ये होता है कि कोवेलेंट रेडियस हमेशा वैंडर वॉल्स रेडियस से छोटा होता है ऐसा क्यों होता है सबसे पहले तो मैं ये कंफ्यूजन क्लियर करूँ कि कोवेलेंट रेडियस एंड वेंडर वॉल्स रेडियस आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स कोवेलेंट रेडियस बात करता है बॉन्डेड सिचुएशन की जब दो एटम बॉन्डेड है वॉल्स रेडियस बात करता है नॉन बॉन्डेड सिचुएशन की मतलब जब वो दो एटम्स जो हैं वो सिमिलर एटम्स हैं लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स हैं वो दोनों आपस में बॉन्डेड नहीं है ठीक है अब मैं समझाती हूं कि क्यों ऐसा होता है कि कोवेलेंट रेडियस हमेशा छोटा होता है मान लो ये दो एटम हैं ठीक है इन दोनों ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया अब देखो जैसे ही मैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही हूं मैं इन दोनों को बिल्कुल सटा दे रही हूं ऐसा क्यों कर रही हूं मैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो इन दोनों का बीच का कुछ जगह जो है वो कॉमन हो जा रहा है राइट तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है इनका जो कोवेलेंट रेडियस है वो कम हो जा रहा है राइट और वहीं जब हम इसके नॉन बॉन्डेड स्टेट की बात करेंगे तो क्या होगा ये फैल जाएंगे करेक्ट तो एज अ रिजल्ट जो इनका वैंडर वॉल्स रेडियस है वो बढ़ जाएगा ये इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कुछ खास नहीं है बट इस पिक्चर को देख के ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है अब ये समझने के बाद आप इस पिक्चर पे फोकस करो देखो आपको समझ आएगा कि जो अंदर के जो दो सर्कल्स हैं वो बता रहे हैं कि वो दोनों जो है बॉन्डेड आइटम्स हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है ट इज द बॉन्ड लेथ उसका हाफ करोगे तो आपको मिलेगा कोविलेंट रेडियस लेकिन जब आप एक सर्कल को एक दूसरे सर्कल से उनका डिस्टेंस देखोगे सो दे आर बेसिकली नॉन बॉन्डेड एटम्स उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ करोगे सो दैट इज योर वैंडर वॉल्स रेडियस ठीक है सबको समझ आ गया क्रिस्टल क्लियर हो गया तो चलो बात करते हैं दूसरे बॉन्ड पैरामीटर की जो की है बॉन्ड एनथेल्पी बॉन्ड एनथेल्पी क्या होता है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है राइट मैंने पहले भी बताया था कोई भी सामान तोड़ना है खुद से ना टूटेगा याद है मैंने बताया था ये कंगी खुद से नहीं टूटेगा तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ेगा तो उसी तरह किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनथेल्पी ठीक है अब ये तो मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में बता दिया अब आपको अगर एग्जाम में कोई बोलेगा कि कि यार बॉन्ड को डिफाइन करो आप हाँ खाली ये लिख दोगे एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड तो सही नहीं रहेगा यार क्योंकि केमिस्ट्री है तो थोड़ा केमिस्ट्री में और थोड़ा स्पेसिफिक होकर आपको डिफाइन करना पड़ेगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे आप कहोगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन गैशियस स्टेट थोड़ा लंबा हो गया बट चीज तो वही है मतलब हम एक क्वांटिटी स्पेसिफाई करें एक मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी होगी दैट इज बॉन्ड एंथेल्पी तो बॉन्ड एंथेल्पी को हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल में ठीक है अब जब हम मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं जैसे कि लेट्स से हाइड्रोजन तो H2, H2 के अंदर दो एटम्स हैं और दोनों सेम ऐटम्स हैं हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन ऐटम तो ये हो गया मोनो एटोमिक तो अब एच टू को अगर मुझे ब्रेक करना है इन टू एच एंड एच तो क्या है मेरा मतलब काफ़ी सिंपल है ये उसमें जो एनर्जी लग रही है दैट इज़ बॉन्ड एनथेल्पी लेकिन जैसे ही मैं पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करने लगती हूँ तो मेरी सिचुएशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्यों देखो एग्जाम्पल वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं एच टू ओ कुछ ऐसा दिखेगा जिसके अंदर दो ओ एच बॉन्ड्स हैं ठीक है अब मैं आपसे पूछती हूँ कि वाटर का बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा आप बोलोगे क्या कॉम्प्लिकेटेड है मैम दो ओ एच बॉन्ड दिख रहे हैं तो जो इसका बॉन्ड एंथैल्पी होगा वही दूसरे वाले ओ एच बॉन्ड का होगा दोनों तो सेम बॉन्ड है बट ऐसा होगा नहीं होगा कुछ और ये जो देखने में तो दोनों ओ एच बॉन्ड है बट दोनों बॉन्ड की जो एंथेल्पी है ना वो सेम नहीं है दोनों बॉन्ड को तोड़ने में सेम एनर्जी नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा अब यहां पे एक लॉजिक है मस्त वाला तो इस लॉजिक को हम कैसे समझें कहानी से वही एक चारा है हमारे पास कहानी से समझेंगे ठीक है मान लो आपको पिकनिक पे जाना है दोस्तों के साथ ठीक है अब पिकनिक पे जाने के लिए घर से परमिशन तो लेना पड़ेगा पेरेंट्स का परमिशन तो चाहिए वरना कैसे जाओगे अब आपको मम्मी से परमिशन लेना है पिकनिक पे जाने के लिए ठीक है आपको मम्मी को मनाना है बेसिकली तो पहला सिचुएशन है कि आपको मम्मी से परमिशन लेना है और बैकग्राउंड में सिचुएशन ये है कि पापा ने आपको ऑलरेडी मना कर दिया है पापा ने ऑलरेडी ना कह दिया है ठीक है दूसरा सिचुएशन है कि आपको मम्मी से परमिशन लेना है पिकनिक पे जाने के लिए लेकिन पापा ने ऑलरेडी हाँ कर दिया है ठीक है अब आप देखो दोनों केस में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है आपको पिकनिक पे जाना है और आपको मम्मी से हाँ बुलवाना है ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो मतलब सीन में आप और मम्मी हो ठीक है लेकिन पापा कहाँ है पापा बैकग्राउंड में है ठीक है पापा वहां पे नहीं है बट बैकग्राउंड में है अब आप देखो पहले सिचुएशन में जब पापा ने ऑलरेडी आपको मना कर दिया है उस सिचुएशन में मम्मी आसानी से हाँ बोलेगी क्या नहीं बोलेगी मम्मी के हाँ बोलने के चांसेस बहुत कम है तो इस केस में अगर मम्मी से हां बुलवाना है तो आपको बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा बहुत मनाना पड़ेगा तब जाके शायद मम्मी हां बोले लेकिन जो दूसरा सिचुएशन है ना उसमें चूंकि पापा ने ऑलरेडी हाँ बोल दिया है तो मम्मी को लगेगा कि ठीक है पापा ने बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा चलो जाने देते हैं तो शायद मम्मी आसानी से मान जाएगी राइट तो एग्जैक्टली exactly वही हो रहा है यहां पे देखने में तो दोनों ओ बॉन्ड है ठीक है लेकिन जब हम पहले वाले ओ एच OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो मेरा सिचुएशन कुछ और है उस समय ये इस ओ एच OH बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं बट ऑलरेडी एक और ओ एच OH बॉन्ड यहां पर एग्जिस्टिंग है लेकिन जब ये वाला ओ एच OH बॉन्ड ब्रेक हो चुका है उसके बाद क्या है सिर्फ ये ओ OH एच एक बॉन्ड है तो मतलब मेरा सिचुएशन चेंज हो गया है तो इस समय जो एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी दैट विल बी डिफरेंट अब देखो इसको जब आप इक्वेशन के फॉर्म में देखोगे तो जब पहले ओ एच बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो आप एच टू ओ को आप ब्रेक कर रहे हो इनटू एच एंड ओ एच जब दूसरे वाले को तोड़ रहे हो तब आप ओ OH एच को ब्रेक कर रहे हो इनटू O ओ एंड एच राइट तो इसीलिए इन केसेस में हम देखेंगे कि इन दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनथेल्पी अलग होगी तो अब सवाल ये उठता है कि फिर अगर मेरे से पूछा जाए कि इसका बॉन्ड एंथेल्पी क्या है तो मैं क्या बोलूंगी ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू हम दोनों में से कोई नहीं बोलेंगे हम इनका एवरेज निकाल लेंगे है कि नहीं तो इसीलिए जब हम पॉली अटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं तो हम कभी भी बॉन्ड एंथेल्पी नहीं बोलते हैं हम कहते हैं एवरेज बॉन्ड एंथेल्पी यानी कि जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सब के एंथेल्पी निकाल लो और उन सब का एवरेज निकाल लो समझ आ गया तो यही था बॉन्ड एंथेल्पी अब हमारा तीसरा पैरामीटर है बॉन्ड एंगल क्या होता है बॉन्ड एंगल एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स नाम से तो यही समझ आ रहा है तो अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये दोनों ओ एच बॉन्ड के बीच का जो एंगल है दैट इज बॉन्ड एंगल अब बच्चे कहेंगे कि मैम पिछले वीडियो से आप कहते आ रहे हो कि जो बॉन्ड है ये कोई लाइन नहीं है कोई रस्सी नहीं है कोई धागा नहीं है ये एक फोर्स है तो अभी ये फोर्स के बीच में एंगल कहाँ से आ गया इसमें तो आप यही बोल रहे हो कि दो लाइन है उनके बीच का एंगल है ये किसके बीच का एंगल है फिर चलो ये समझाते हैं किसके बीच का एंगल है ये ये जो बॉन्ड बन रहा है जो मैंने बताया था बिल्कुल सही था जो बॉन्ड बनता है वो अट्रैक्शन से बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है ये अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में राइट right? इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं बताओ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑर्बिटल्स में तो बेसिकली ये जो एंगल है ये उन ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल है जिन ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स रह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिटल्स में रह रहे हैं उन ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल समझ आ गया बहुत बढ़िया बॉन्ड एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्रीज़ में और बॉन्ड एंगल का सिग्निफिकेंस अगर पूछा जाए तो वो मेन सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमें मॉलिक्यूल के शेप के बारे में काफ़ी आइडिया लगता है जैसे अगर हम वाटर की ही बात करें ठीक है तो सोचने वाला सोच ही सकता है कि शायद वाटर एक लीनियर मॉलिक्यूल है जिसमें इधर हाइड्रोजन है बीच में ऑक्सीजन है इधर हाइड्रोजन है बट ऐसा है नहीं और ये कौन बता रहा है ऐसा नहीं है बॉन्ड एंगल से पता लग रहा है हम देखो दिख रहा है कि ये जो बॉन्ड एंगल है दट इज 104.5 डिग्री जिससे हमें वाटर के शेप का काफी अच्छा आइडिया लग रहा है अब हम डिस्कस करेंगे अगला बॉन्ड पैरामीटर जो कि है बॉन्ड ऑर्डर ये क्या होता है हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले कि जैसे मान लो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं उसमें क्या होता है दो हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं सिंगल बॉन्ड तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है वन क्योंकि उसमें एक ही बॉन्ड बन रहा है अगर हम बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इसमें दो ऑक्सीजन एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं डबल बॉन्ड तो यहां पर कितना बॉन्ड बन रहा है दो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ टू अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के दो एटम्स तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड कितने बॉन्ड बने तीन तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ थ्री तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर क्या है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल सिंपल अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं जब भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं हमने डिस्कस किया है पहले जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है तो जब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल और O2 2- इन दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके जो बॉन्ड ऑर्डर होंगे वो हमेशा सेम होंगे तो ऐसा क्यों है कि सेम होंगे क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल में सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके एटम्स में वो भी सेम होंगे अगर वो सेम होंगे तो इसका मतलब है कि उनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी राइट right? तो इसीलिए जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे वो सेम बनेंगे तो अगर एक में सिंगल बॉन्ड बनेगा दूसरे में भी सिंगल ही बनेगा अगर एक में डबल बनेगा तो दूसरे में भी डबल ही बनेगा तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा ठीक है यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखेंगे जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है यानी कि जैसे जैसे हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाते हैं बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता जाता है यानी कि सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा उससे छोटा डबल बॉन्ड उससे भी छोटा ट्रिपल बॉन्ड और वैसे वैसे जैसे जैसे मेरा बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है मतलब जितना छोटा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबल कैसे अस सपोज ये एक मेरा छोटा सा बॉन्ड है छोटा मतलब हम वाइज जिसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम है ठीक है तो इसकी जो स्टेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा है कैसे पता मुझे क्योंकि इसे अगर मुझे तोड़ना हो ना तो चाहे मैं कितनी भी मेहनत लगा लूँ मैं नहीं तोड़ पा रही हूँ मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है बट इसे तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा यानी कि ये बॉन्ड जो है इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है इसलिए इसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा है इसीलिए इसकी बॉन्ड एंथेलपी ज्यादा है जो एनर्जी नीडेड टू ब्रेक दिस इज वेरी हाई क्लियर अब लेटर सपोज मेरा बॉन्ड का लेंथ अगर बहुत ज़्यादा होता जैसे कि ये उस केस में क्या होता कंपेरेटिवली कंपेर्ड टू द शॉर्टर बॉन्ड इसका जो स्टेबिलिटी है वो कम है ये कम स्टेबल है और इसकी वजह से इसे अगर मुझे तोड़ना हो तो मैं इसे तोड़ पाऊंगी क्योंकि इसमें मुझे कम एनर्जी देना पड़ा चाहिए तो आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हो राइट क्योंकि इस केस में बहुत कम एनर्जी देके मैं इसे तोड़ पाई इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो उसकी बॉन्ड एन थे तब मैंने था आपको कि काफी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनके लिए एक से ज्यादा लूविज डॉट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे याद है जैसे ओजोन जैसे कार्बोनेट आयन राइट और तब मैंने आपको कहा था कि इससे रिलेटेड हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तो बस अब हम आ चुके हैं उस रेजोनेंस में तो इनके केस में ये देखा गया कि काफ़ी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनको एक लूवस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाते हैं ओजोन एक एग्जाम्पल है तो ओजोन के केस में देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली जो स्ट्रक्चर मिला वो स्ट्रक्चर हम लूविज डॉट स्ट्रक्चर से बना ही नहीं सकते हैं मतलब ओजोन के डॉट स्ट्रक्चर तो दो पॉसिबिलिटी थी राइट बट जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिला वो एक तीसरा ऑप्शन था समझ नहीं आ रहा है चलो समझते हैं अब ओजोन की ही बात कर लेते हैं ओजोन का तो लिवाइस स्ट्रक्चर हमने खुद बनाया था राइट right? उसमें हमने देखा था कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे नंबर वन और नंबर टू ठीक है लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है एंड दैट स्ट्रक्चर इज दिस वन ठीक है अब देखो इनको अगर तीनों को आप देखो ध्यान से तो इनमें फर्क क्या है जो हमारा पहला पॉसिबल ऑप्शन था उसमें क्या है इधर सिंगल बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड है दूसरे पॉसिबिलिटी में पहले डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है राइट लेकिन जो ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड जो स्ट्रक्चर है वो क्या दिखा रहा है इसमें डॉटेड लाइन है डॉटेड लाइन मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी नहीं है और डबल बॉन्ड भी नहीं है तो कुछ बीच का है तो जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर्स वन और टू ये बता रहे थे कि यार एक तरफ सिंगल है तो दूसरी तरफ डबल है लेकिन जो हमारा एक्सपेरिमेंटली फाउंड स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि दोनों साइड जो है ना समझ लो डेढ़ डेढ़ बॉन्ड है इन अ वेट वे ऑफ लुकिंग एट इट ठीक है तो इसीलिए देखो जो बॉन्ड लेंथ भी है ना पहले तो दोनों के अलग थे क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है अब जो है वो दोनों के बराबर है और जो वैल्यू है वो भी सिंगल और डबल के लगभग सिंगल से ज्यादा है वो वैल्यू और डबल से वो वैल्यू कम है ठीक है अब यहाँ पे ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटली फाउंड स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ठीक है और ये जो हमारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स ठीक है अब यहां पर एक दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स है ना ये सिर्फ हम ऑन पेपर इन्हें ड्रॉ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिवाइ स्ट्रक्चर्स बट रियलिटी में दे डू नॉट एग्जिस्ट सो कैनोनिकल फॉर्म्स नो रियल एग्जिस्टेंस क्योंकि रियलिटी में क्या एग्जिस्ट करता है ये रेजोनेंस हाइब्रिड तभी तो हम ये हमारा एक्सपेरिमेंटली

इन सबके लिए ना मल्टीपल ऑप्शंस निकल के आ रहे थे कि स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है एंड एवरी टाइम आई टू टेल कि इसमें से कौन सा स्टेबल है ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये लीस्ट एनर्जी और लीस्ट एनर्जी मतलब मोस्ट स्टेबल तो दिस इज आवर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड ओके तो कुल मिला के हमें यह समझ में आया कि वेन एवर अ सिंगल लिवाई स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विथ सिमिलर एनर्जी पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड विच डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली चलो बच्चों तो अब हम डिस्कस करते हैं अगला बॉन्ड पैरामीटर जो कि है बॉन्ड पोलैरिटी यह क्या होता है अब यहाँ पर ना मैं ये शुरुआत करूंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम तो कन्फ्यूज़ कर रही है ठीक है पहले मैंने आपको क्या बोला पहले मैंने बोला कि एक तरह का होता है कोविलेंट बॉन्डिंग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एक होता है आयोनिक बॉन्ड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है अब मैं कह रही हूँ कि रियलिटी ये है कि कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयोनिक या कंप्लीटली कोवेलेंट होता ही नहीं है मतलब अगर कोई आयोनिक बॉन्ड है उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है हो सकता है बहुत कम हो बट थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ठीक है अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है वही पे हम बात करते हैं पोलैरिटी की ठीक है कैसे समझे इसे एक स्टोरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मम्मा ने बनाया है आज़ पिज्ज़ा तो मम्मा ने पिज्ज़ा दिया और मम्मा ने आपको कहा कि उस पिज्ज़ा को अपने छोटे भाई के साथ शेयर करके खा लो ठीक है अब अगर आपका भाई और आप इक्वली पावरफुल हो तो क्या होगा आप लोग शराफत से उस पिज्ज़ा को बिल्कुल इक्वली बांट के खाओगे ठीक है अब ये पिज्ज़ा यहाँ पे क्या है पिज्ज़ा मेरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है मतलब जो इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर रहे हैं आपस में वो है ठीक है और आप और आपके भाई दो एटम्स हो जिनके बीच में वो बॉन्ड बन रही है ठीक है तो जब आप इक्वली शेयर करोगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आप दोनों में इक्वली शेयर हो रहा है तो इस तरह के इक्वल शेयर होने वाले सिचुएशन को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है बहुत बढ़िया अब एक दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि आपको लगता है कि आपका जो छोटा भाई है वो बहुत छोटा है इतना पावर नहीं है उसके पास वो इतना कुछ कहेगा नहीं इतना लड़ नहीं पाएगा वगैरह वगैरह तो आपने क्या किया थोड़ा सा ज्यादा पिज्ज़ा ले लिया आप ऐसा करोगे नहीं आई एम जस्ट गिविंग इट एन एज एन एग्जाम्पल तो आपने थोड़ा ज्यादा पिज्ज़ा ले लिया अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा पिज्जा शेयर तो अभी भी हो रहा है आप दोनों के बीच में लेकिन पिज्जा जो है आपके पास थोड़ा ज्यादा है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयर तो हो रहा है बट वो इलेक्ट्रॉन पेयर आपने अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच लिया है इससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज आपकी तरफ थोड़ा ज्यादा है तो आपके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपके भाई के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है ऐसे सिचुएशन में या फिर ऐसे वाले शेयरिंग को हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है मतलब हम कहेंगे कि इस बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो गई है ठीक है अब देखो ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें मेरा ओवरऑल सेटअप कैसा हो गया एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आपके ऊपर स्लाइट नेगेटिव भाई के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस वॉट इज दैट कॉल्ड इन फिजिक्स फिजिक्स में पढ़ा है हमने ये टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेटेड बाई अस इज कॉल्ड डाइपोल एग्जैक्टली ये तो हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में है कि नहीं तो इसे हम डाइपोल कहते हैं जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस दैट कॉल्ड डाइपोल जहाँ एक डाइपोल आ जाता है वहाँ ही उस डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट भी होता है ठीक है तो यानी कि जैसे ही एक बॉन्ड पोलर हो जाता है वो बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट आ जाता है ठीक है अब फटाफट से फटाफट से देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट के क्या फीचर्स होते हैं क्योंकि वो सारे फीचर्स अब इस बॉन्ड में आ जाएगा तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है दैट इज डे बाई वन डे बाई इज इक्वल टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री फाइव सिक्स फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी कूलम मीटर डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इसको ध्यान रखना क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है बोल के अब आगे जाके आप देखोगे कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज थोड़े डिफरेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज ये डायरेक्शन होता है ठीक है जैसे जो आपका और भाई का एग्जाम्पल था उसमें आप नेगेटिव चार्ज थे भाई पॉजिटिव चार्ज था तो इसका एरो इस डायरेक्शन में आएगा मतलब वो आपकी तरफ पॉइंट करेगा ठीक है समझ समझ आ गया तो कुल मिला के हमें ये समझ आया कि हर एक बॉन्ड का एक डाइपोल मोमेंट होता है और इसे हम कहते हैं बॉन्ड डाइपोल क्लियर चलो अब क्या करेंगे अब हम थोड़े से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें दो एटम्स इन्वॉल्व हो और हम देखेंगे कि हम कैसे उनके बॉन्ड डाइपोल्स कैलकुलेट करते हैं तो इनके केस में हम क्या नोटिस करते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो सिर्फ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है मतलब हमने जैसे बताया कि हर एक बॉन्ड का एक डाइपोल मोमेंट होता है जिसे हम कहते हैं बॉन्ड डाइपोल ठीक है तो अब अगर मैं आपको एक मॉलिक्यूल दे दूं और बोलूं कि यार इसका ना डाइपोल मोमेंट निकालो तो आप बोलोगे ठीक है इसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सारे बॉन्ड के डाइपोल्स को हम ऐड कर देते हैं बट इट इज नॉट दैट सिंपल क्यों क्योंकि हमने ये देखा है अभी हमने पढ़ा रहा है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हम इसे सिंपली ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते हैं बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा हमें जो है इनका लेना पड़ेगा वेक्टर सम याद है हम लोग फिजिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ते हैं कि किस तरह से हम पैरालेलोग्राम लॉ से वेक्टर सम करते हैं दो वेक्टर्स को ऐड ऐड कर आड़ करते हैं तो उसके उनका जो डायरेक्शन है दैट आल्सो प्लेज अ रोल मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ इसमें ना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे ठीक है 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 सिंपली मैं इस को इन पिक्चर्स से समझाती तो तो जो हमारा पहला है, ये वाला है, तो देखो अभी हमने क्या सीखा कि जो बॉन्ड डाइपोल का जो डिरेक्शन है ना वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव से टूवर्ड्स लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरफ जाता है या फिर कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होता है तो इसीलिए देखो यहां पर बॉन्ड डाइपोल जो है उसका डायरेक्शन ये है यहां पर इसका डायरेक्शन ये है तो जब इनका नेट निकालना पड़ेगा तो सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड को एड करने से तो होगा नहीं राइट क्योंकि इनका डायरेक्शन भी तो लेना पड़ेगा साथ में तो हम क्या देखते हैं जो नेट हमारा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा करेक्ट ठीक उसी तरह से अगर हम ये वाला एग्जांपल लें बी एफ थ्री का तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हम देखते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसीलिए जो है ये बॉन्ड डाइपोल के जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स फ्लोरीन है अब इन तीनों का जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं हमारा रिजल्टेंट निकलता है जीरो क्योंकि तो देखो सारे जो है ना वो ऑपोजिट साइड में है सारे इक्वल है सारे ही बी एफ बॉन्ड्स हैं एंड दे आर लाइक ऑन ऑपोजिट डायरेक्शंस तो नेट जो डाइपोल मोमेंट आता है वो जीरो हो जाता है उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल देखो BeF2 इसके केस में हम क्या देखते हैं कि जो दोनों डाइपोलस हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट तो एज अ रिजल्ट यहां पर भी क्या होगा यहां पर भी नेट डाइपोल मोमेंट जो है दैट विल बी जीरो ठीक है तो इस तरीके से हम जो है निकालते हैं कि क्या हमारा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट या फिर नेट डाइपोल मोमेंट होगा तो फजान्स रूल्स जो है वो इसी बारे में बात करता है कि कोई भी कोविलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर होता है उसी तरह किसी भी आयोनिक बॉन्ड में थोड़ा सा कोविलेंट कैरेक्टर होता है तो लेटर सपोज ये एक कैटायन है यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है ठीक है और ये एक एनायन है यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयन ठीक है और लेटर से कि ये कैटायन जो है ये एनायन की तरफ अप्रोच कर रहा है इसके पास आ रहा है ठीक है आने दो आने दो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन जब ये कैटायन एनायन के काफी पास आ जाता है तो क्या होता है ये कैटायन पॉजिटिवली है और एनायन का जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिख रहा है वो क्या है नेगेटिवली है 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 तो ये कैटायन क्या करता करता इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कुछ इस तरह ठीक है मतलब ये स्ट्रिंग वगैरह को इग्नोर मारो मतलब मैं बस बलून से आपको समझाना चाह रही हूँ तो वो करता क्या है तो इसे जो है ये अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट करता है ठीक है तो जब ये अट्रैक्ट करता है तो हो क्या रहा है ये जो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिस्टॉर्ट हो रहा है पहले ऐसा था अब कैसा हो रहा है अब ऐसा हो जा रहा है राइट right? तो जब ऐसा होता है इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन समझ आया ठीक है अब कैटायन के पास कितना पावर है कि वो एनायन को कितना पोलराइज कर सके मतलब वो एनायन को इतना सारा पोलराइज करेगा या जरा सा पोलराइज करेगा ये बताएगा इसका पोलराइजिंग पावर यानी कि कैटायन का पोलराइजिंग पावर ठीक है और एनायन कितना पोलराइज होना चाहता है वो होता है एनायन की पोलराइजेबिलिटी ठीक है तो यहां पर हमने तीन टर्म्स पढ़े पोलराइजेशन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ठीक है यहां तक समझ आ गया बहुत बढ़िया अब पोलराइजेशन होने से क्या हो रहा है देखो जब पोलराइज हो रहा है वो इस तरीके से तो क्या हो रहा है जो येलो वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है येलो मेरा एनायन है ठीक है तो जो येलो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मेरे कैटायन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्सअप हो रहा है राइट क्योंकि पहले तो दूर दूर थे पास आ गए ये अट्रैक्ट भी हो रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन इनके इलेक्ट्रॉन के साथ घुल मिल रहे हैं तो एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है जितना ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है उतना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है मतलब इसका चार्ज इसके पास जा रहा है और आपस में मिलजुल रहे हैं उतना ज्यादा इन अ वे शेयरिंग हो रही है समझ रहे हो बात को ये जैसे जैसे ऐसे हो रहा है वैसे वैसे इनके आपस के इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं शेयरिंग बढ़ रही है शेयरिंग बढ़ रही है तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और कौन सा कैरेक्टर घटेगा आयोनिक कैरेक्टर घटेगा राइट क्योंकि शेयरिंग हो रही है ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है और आयोनिक कैरेक्टर घट रहा है तो बस यहां पर उतना ही समझना था कि ग्रेटर इज द पोलराइजेशन ग्रेटर इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर एंड लेसर इज द आयोनिक कैरेक्टर ठीक है तो अब चलो हम फजान के जो रूल्स थे फजान ने कुछ रूल्स दिए थे जिससे वो ये बताया कि भाई पोलराइजेशन कब बढ़ेगा कब घटेगा तो उसने कुछ फैक्टर्स लिस्ट डाउन किए थे इन द फॉर्म ऑफ रूल्स ठीक है तो उसका पहला रूल कहता है कि कैटायन जितना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा ये मेरा कैटायन है और यह मेरा एनायन है तो कैटायन अगर मेरा छोटा है तो उससे क्या फ़ायदा है अब छोटा है इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर है न्यूक्लियस में है राइट अब चूंकि इसका साइज छोटा है तो जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसका पावर अधिक है क्योंकि बाहर बहुत बड़ा साइज नहीं है ना तो बाहर बहुत सारे शेल्स नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के तो जो अंदर का जो न्यूक्लियस उसका जो पॉजिटिव चार्ज उसका जोर ज्यादा चलेगा राइट तो एज अ रिजल्ट क्या होगा जब ये एनायन के पास आएगा तो ये इसे ज्यादा अच्छे से पोलराइज कर पाएगा ज्यादा अच्छे से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच पाएगा ठीक है अगर मान लो आप एक बड़ा सा कैटायन ले लो ठीक है अभी ये पर्पल वाला मेरा कैटायन है याद रखो ठीक है बड़ा सा कैटायन ले लिया इसमें क्या होगा है तो न्यूक्लियस इसका भी पॉजिटिवली चार्ज ठीक है बट इसका साइज बड़ा है तो जो शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा है तो कंपेरेटिवली इस केस में जो है ना न्यूक्लियस का जो जोर है ना वो जोर थोड़ा कम हो जाएगा एज अ रिजल्ट पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगा ठीक है समझ आ गया ग्रेट दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी ये मेरा एनायन है एनायन अगर बड़ा है तो क्या होगा इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो यू ज्यादा फैला हुआ होगा साइज बड़ा है तो उससे क्या होगा जैसे ही कैटायन इसके पास आएगा इसके पोलराइज होने के चांस ज्यादा है मतलब ये आसानी से पोलराइज हो जाएगा क्योंकि इसका इतना बड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, है कि नहीं लेकिन वहीं अगर मेरा एनायन का साइज छोटा हो तब क्या होगा कैटायन पास आएगा बट तभी इतना आसानी से पोलराइज होगा नहीं ये, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक पहुंचने के लिए कैटायन को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा राइट तो इसीलिए एनायन का अगर साइज बड़ा है तो उसके पोलराइज होने के चांसेस यानी कि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी ठीक है तीसरा पॉइंट यह कहता है कि अगर कैटायन और एनायन में चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा ओवरऑल मतलब ये मेरा तीसरा और चौथा पॉइंट ये यही कहता है ऐसा क्यों देखो जो कैटायन है इसमें अगर चार्ज ज़्यादा है चार्ज ज़्यादा है मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो इसमें अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो ज़्यादा है तो ये इसे खींचेगा तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा उसी तरह अगर एनायन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है काफ़ी सारे हैं

लेकिन दोनों में फर्क क्या है दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में फर्क है एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स के जैसा है मतलब जिसमें डी ब्लॉक भी इन्वॉल्व है और दूसरे का कॉन्फिगरेशन जो है वो ऐसा है जिसमें एस और पी ब्लॉक इन्वॉल्व है ठीक है बट दोनों का साइज सेम है तो इस केस में कौन से वाले का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा क्या डिसाइड करेगा ये क्योंकि जब भी हम पोलराइजिंग पावर की बात करते हैं तो हम क्या देखना चाहते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव मेरा न्यूक्लियस है उसका पावर कितना है राइट right? तो अब जिस कैटाइन में डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं अब हमें क्या पता है कि जो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है वेन कंपेयर टू एस या पी ब्लॉक राइट एस ब्लॉक का सबसे स्ट्रांग होता है सबसे इफेक्टिव स्क्रीनिंग करता है उसके बाद पी उसके बाद डी उसके बाद एफ राइट right? ये तो हमने पढ़ रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही राइट right? तो डी ब्लॉक के केस में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम होता है अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो क्या होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो जो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनको न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज वो एक्सपीरियंस करेंगे वो ज्यादा होगा राइट मतलब लेट सपोज ये मेरा कैटाइन है जिसमें डी ब्लॉक इन्वॉल्व है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में ठीक है मतलब डी ब्लॉक नहीं डी ऑर्बिटल ठीक है तो इनके केस में क्या होगा बीच में ये तो मेरा वैलेंस शेल हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये लोग बीच में जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे क्यों क्योंकि बीच में डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बहुत अच्छे से स्क्रीनिंग नहीं करवाते हैं राइट right? तो इसका मतलब ये जो कैटायन है इसका ओवरऑल न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव पावर है वो ज्यादा है तो इसका जो पोलराइजिंग पावर होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू दूसरा वाला कैटायन जिसमें एस और पी ऑर्बिटल्स तक इन्वॉल्व है ठीक है समझ आ गया तो ये जो मैंने पांच रूल्स बताए ये पांच रूल्स टुगेदर मेक द फजान्स रूल्स लुस स्ट्रक्चर से हमें मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था कि उसका शेप कैसा होगा लीनियर होगा एंगुलर होगा कुछ और शेप होगा नो no आइडिया तो इसीलिए उसके बाद आया वेस्पर तो वेस्पर थ्योरी। तो यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये थ्योरी किस चीज पे बेस्ड है तो ये थ्योरी कहती है कि जब भी दो एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो कौन से लोग उस एटम के कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं शेल इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही प्रोटेक्टेड रहते हैं उनका कोई काम नहीं होता है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं का रोल होता है ठीक है अब जैसे ही दो एटम्स पास आते हैं तो जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज हैं मैं भी नेगेटिव तू भी नेगेटिव तो हमारे बीच में क्या होगा अट्रैक्शन तो नहीं होगा क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा कि यार तुम दूर ही रहो मुझसे राइट right? क्योंकि अगर दो लाइक चार्जेस बहुत पास आ जाएंगे तो क्या होगा फाइट होगी लड़ाई होगी तो इससे अच्छा है सब शांति से रहते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये जो रिपल्शन है इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेंगे कि हम जितना हो सके एक दूसरे से दूर रहते हैं और ये जो दूर रहने की चाहत है इसी की वजह से हमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग शेप्स मिलते हैं एंड दैट इज वेस्ट थ्योरी बस इतनी सी बात है अगर आपको ये रिपल्शन वाला फंडा समझ में आ गया तो समझो वेस्पर थ्योरी हो गया क्रिस्टल क्लियर ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अब हम सबसे पहले फटाफट से वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को जानेंगे पोस्टुलेट नंबर वन द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम तो चाहे मैं किसी भी मॉलिक्यूल की बात करूं उसके सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मुझे बताएगा कि उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा अब कुछ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है इसके बारे में हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है बट एक बार फिर से बात करेंगे क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है अब जो बीच वाला आइटम है ठीक है लेट्स टॉक टेक एन एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड में, में मेरा सेंट्रल आइटम क्या है कार्बन है बिल्कुल अब अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो क्या है इसमें कितने वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं हैं चार चार बिल्कुल ये चार वैलेंस कर क्या रहे फिलहाल सीओ टू में ये जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बिजी हैं ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ दोस्ती हो रखी है इनकी बॉन्ड बना रखे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे बॉन्ड पेयर्स बॉन्ड पेयर्स मतलब बॉन्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड में लगे हुए हैं जिसकी जो बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर्स लोन मतलब लोनली जो बिल्कुल अकेला है कोई दोस्त यार नहीं है कोई बॉन्डिंग नहीं है किसी से ऐसे ही बैठा है अकेला वो हो गया लोन पेयर तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड में हम कार्बन की बात करें तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि कार्बन के जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉनस हैं ये सारे बॉन्ड bond है बॉन्डेड है यहां पर लोन पेयर्स जीरो है कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन वहीं अगर हम वाटर की बात करें वाटर में मेरा सेंट्रल एटम क्या है ऑक्सीजन बिल्कुल ऑक्सीजन में अगर आप ध्यान दो तो ऑक्सीजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिक्स राइट right? सिक्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं इनफैक्ट दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं लेकिन जो बाकी के चार इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है वो वेले हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो अकेले हैं लोनली हैं तो दे आर लोन पेयर्स ध्यान देना है कि ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर्स हैं दो क्योंकि हम पेयर में बात कर रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोनली हैं दो ठीक है तो सबको समझ आ गया बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम कुछ भी करेंगे ना पहला स्टेप होगा ये फाइंड आउट करना कि कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं तो शॉर्ट में हम इसे बीपी और एलपी लिखेंगे अभी थ्रू आउट द वीडियो तो ये था हमारा पॉस्टुलेट नंबर वन पॉस्टुलेट नंबर टू ये कहता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू ऑक्यूपाई पोजिशन इन स्पेस दैट minimizes रिपल्शन एंड maximizes the डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब मतलब ये जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जैसे अभी हमने बात करी ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में तो ये जो वैलेंस शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मकसद एक ही होता है कि इन्हें आपस में रिपल्शन कम रखना है क्योंकि इन्हें पता है कि यार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमारे आपस में तो बनती नहीं है हम दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम जो है ना दूर रहे एक दूसरे से तो हमेशा ये आइडिया रहेगा कि ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे जितना दूर रहेंगे उतना रिपल्शन कम होगा उतना लड़ाई कम होगा और उतनी ओवरऑल स्टेबिलिटी बनी रहेगी लड़ाई झगड़ा घर में होगा तो कहां से हम स्टेबल रह पाएंगे राइट हम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेंगे तो इसीलिए यहाँ पर ये सेकंड पॉस्टुलट कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनका यही आइडिया होता है कि यार हम किस तरह से ज्यादा से ज्यादा दूरी पर रहें ठीक है अब दूरी पर कहां रहे तो यहां पर हम ये एज्यूम करेंगे जो हमारा वैलेंस शेल है जो बाहर वाला जो शेल है ना दैट इज लाइक स्फीयर एक है, एक बड़ा सा बॉल है समझ लो ठीक है तो इस बॉल के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं और ये जो ये जो रहने के दूर रहने की जो इच्छा है इनकी इसी से हमें अलग अलग शेप्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो अब आप इसको रिलेट करो पहले पॉस्टुलेट ने कहा कि सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं कितने बॉन्ड पेयर्स हैं कितने लोन पेयर्स हैं दूसरा पॉस्टुलेट कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये खुद को कहाँ पर रखेंगे ताकि इनके आपस का रिपल्शन मिनिमम हो राइट right? तो देखो धीरे धीरे ना इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है मॉलिक्यूल के शेप का आइडिया लग रहा है और वही तो मेन एजेंडा है थ्योरी का राइट right? तो अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं तीसरा अब तीसरा अब ना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आता है और वो रट लेते हैं बट आप नहीं रटोगे ठीक है तो तीसरा पॉस्टुलेट कहता है कि ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनस है इनके बीच में रिपल्शन तो होता ही है जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सब रिपेल करते हैं लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोन पेयर लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो सबसे कम होता है ऐसा क्यों क्या लॉजिक है इसके पीछे तो लॉजिक तो हम समझेंगे उससे पहले मैं ये बताती हूं कि जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज होते हैं कि ये याद कैसे रहेगा कि लोन पेयर लोन पेयर का सबसे ज्यादा होता है या सबसे कम होता है तो लोन पेयर यानी कि लड़ाकू पेयर वेला है अकेला है किसी से दोस्ती नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो लड़ाकू है राइट तो लोनली पेयर इज लड़ाकू पेयर और चूंकि वो वो लड़ाकू 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 है तो तो ज्यादा रिपेल करेगा लोन लोन पेयर 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 मतलब रिपल्शन सबसे ज्यादा फाइट सबसे ज्यादा याद रहेगा सबको ठीक है और दूसरी तरफ जो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर है वो तो भाई अच्छे लोग हैं बॉन्ड बना रखिए दोस्ती बना रखी है तो वो लड़ाई कम करेंगे रिपल्शन कम करेंगे ठीक है और लोन पेयर पेयर मतलब एक लड़ाकू है दूसरा बॉन्डेड है तो उनके केस में जो है लोन पेयर लोन पेयर से कम लड़ाइयां होंगी पर बॉन्ड पेयर से ज्यादा लड़ाइयां होंगी बस हो गया याद हो गया अब किसी को इसे रटने की जरूरत ही नहीं है सबको इस मेमोरी टिप से ही याद रहेगा ठीक है लेकिन आप थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरह सोच के इसका लॉजिक समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है अब होता यह है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसने किसी से बॉन्ड तो बनाई नहीं है वो किसी एक एटम के ऊपर ही रह रहा है तो वो बिल्कुल फ्रीली आराम से मूव कर सकता है एंड एज अ रिजल्ट वो क्या कहेगा वो बिल्कुल खुला रहेगा एकदम बहुत सारा जगह लेकर रहेगा और कहेगा दूसरों को कहेगा भागो 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 मेरे जगह से भागो सो दे विल एक्चुअली रिपेल मोर जो लोन पेयर है ठीक है और वहीं अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करें वो चूंकि एक बॉन्ड में बंधे हुए हैं राइट right? अगर आप वाटर का एग्जाम्पल लो तो उसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी दिखेंगे जो सिर्फ ऑक्सीजन के हैं ठीक है ठीके? वो किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और वहीं आपको ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी दिखेगा जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए वो एक बॉन्ड में बंधा हुआ है राइट right? वो दो एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर हो रहा है तो उसके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है कि वो इधर उधर घूमे राइट right? तो वो बहुत ज्यादा इधर उधर घूम नहीं पाता है बहुत लिमिटेड स्पेस है उसके पास एंड एज ए रिजल्ट उसके पास रिपेल करने का ऑप्शन भी कम है सो बेसिकली केमिस्ट्री के टर्म्स में दिस इज द रीजन जिसकी वजह से जो लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड बॉन्डपेयर रिपल्शन ठीक है अब आप पूछोगे कि ये जो पॉस्टुलेट है इसका मॉलिक्यूल के शेप से क्या लेना देना लेना देना है क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे सामने आते हैं जिनकी जो ज्योमेट्री है ना वो सेम होती है ज्योमेट्री एज इन मतलब अभी तक जो हमने पॉस्टूलेट वन और टू में डिस्कस किया जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स वैलेंस शेल में सेम होते हैं जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लेकिन फिर भी उनका जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है क्यों बिकॉज ऑफ डिफरेंट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक क्लासिक एग्जाम्पल देती हूं मैं ये तीन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लो मीथेन एमोनिया और वाटर ठीक है थोड़ी ही देर बाद हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कैलकुलेशन वाइज अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो सब देखें तो इनके जो स्ट्रक्चर्स है ना वो सेम ही आते हैं ठीक है मतलब इनकी ज्योमेट्री सेम ही होती है बट हम क्या देखते हैं कि इनके बीच का जो एंगल है ना इनका वैल्यू चेंज होते रहता है जैसे अगर हम मीथेन की बात करें तो वो एंगल 109.5 डिग्री है वहीं अमोनिया में इट इज़ 107 डिग्री और वहीं वाटर में इट इज 104.5 डिग्री तो ये जो अलग अलग वैल्यूज हैं इनके शेप में जो ये चेंजेस हैं ये किसकी वजह से है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर बॉन्ड पेयर इनके जो रिपल्शन हैं उनकी वजह से है तो इसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे बट अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया राइट right? कि पॉस्टुलेट थ्री जो है दैट ऑल्सो एड्स टू द नॉलेज ऑन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉस्टुलेट नंबर फोर ये कहता है कि एक मल्टीपल बॉन्ड को वेस्पर थ्योरी में हम ट्रीट करते हैं एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत ध्यान से सुनना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्मली क्या होता है वेस्पर थ्योरी अगर हम भूल जाए थोड़ी देर के लिए नॉर्मली क्या होता है एक सिंगल बॉन्ड मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन से ही तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा यानी कि एक सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ठीक है तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दो एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तीन करेक्ट लेकिन थोरी में हम कहते हैं कि चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो हम सभी बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे हम उसे सिंगल बॉन्ड एज्यूम करेंगे ऐसा नहीं कि वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल है तो डबल ही रहेगा बट हम उसे एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे मतलब अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है तब हम क्या कहेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एक हम दो नहीं कहेंगे क्योंकि हम उस डबल बॉन्ड को भी एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे तो हम कहेंगे एक डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर है सुपर पेयर वर्ड के आ जाने से आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहां जो बॉन्ड है यह मल्टीपल बॉन्ड है या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है ठीक है अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है हम कहेंगे एक ट्रिपल बॉन्ड है मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है एक एक्जैक्टली exactly. क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता यह ट्रिपल बॉन्ड है हमारे लिए इस ट्रिपल बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर है ठीक है अब एग्जाम्पल देखो मान लो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स बनाता है अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं तो आप कैसे सोचोगे इधर एक डबल बॉन्ड इधर एक डबल बॉन्ड राइट यानी कि इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए दो करेक्ट अब बात करते हैं बीई की यानी कि बेरिलियम क्लोराइड की इसमें क्या होता है बेरिलियम क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है दोनों तरफ ठीक है तो यहां कितने बॉन्ड पेयर्स है इधर एक सिंगल बॉन्ड इधर एक सिंगल बॉन्ड इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि यहां पर भी बॉन्ड पेयर्स है टू तो आप देखो ये दोनों एग्जाम्पल्स में हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि बॉन्ड डबल है या सिंगल दोनों ही केस में हम कह रहे हैं कि बॉन्ड पेयर्स हमारे पास कितने हैं टू तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गड़बड़ाना नहीं है फिर आगे जाके आप कंफ्यूज होंगे तो चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो एक बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो ये थे हमारे चार पॉस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी तो चलो अब हम ये देखते हैं कि कैसी कैसी ज्योमेट्रीज और शेप्स हमें मिल सकती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंसल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जैसे कि मैंने बताया था जब कभी हमें एक मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा जिसका हमें शेप बताना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि उसके सेंट्रल आइटम पे कितने बॉन्ड पेयर्स और कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों को हम ऐड कर देंगे उससे हमें क्या मिलेगा वैलेंसल इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल वैलेंसल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं ठीक है ठीके? अब मान लो आपको ये पता लगता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू ठीक है तो अब हमारा टारगेट क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है कहां रखना है वैलेंस शेल में वैलेंस शेल क्या है एक एक्सपियर है तो अब इसे हम समझते हैं बलून से देखो कितना आसान हो जाए तो लेट अस सपोज ये जो दो बलून हैं ये लेट्स से दीज आर लाइक ऑरबाइटल एक बलून के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ठीक है अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ठीक है मैंने क्या कहा कि आपने ये फाइंड आउट किया कि इस मॉलिक्यूल में टोटल दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो अब इस दो इलेक्ट्रॉन पेयर को आपको इस फेयर के अंदर ऐसे अरेंज करना है कि दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे ठीक है अगर हम इसे ऐसे रखेंगे नहीं चलेगा और दूर करते हैं थोड़ा और दूर कर दिया और दूर कर दिया और दूर कर दिया ठीक है देखो इस पॉइंट पर जो है ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है जिसकी वजह से इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम होगा राइट अगर वापस से इसे मैं यू नीचे ले जाऊं तो क्या होगा ये फिर से पास आने लगेंगे है कि नहीं तो इसीलिए ये जो है मेरा अप्रोप्रिएट पोजिशन है करेक्ट तो यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर टोटल नंबर ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू होगा तो उसका शेप कैसा होगा उसका जियोमेट्री या शेप होगा लीनियर जैसे कि आप यहां देख रहे हो बच्चों एक सिंपल सी बात यहां पर मैं बता दूं कि जियोमेट्री और शेप ये दोनों वर्ड्स में कुछ फर्क होता है जो हम थोड़ी ही देर में समझेंगे ठीक है तो अगर दो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो मेरा ज्योमेट्री होगा लीनियर जस्ट लाइक दिस अब आप इसे किसी मॉलिक्यूल से कंपेयर कर लो फॉर एग्जाम्पल बीई सी एल टू बेरिलियम क्लोराइड देखो उसका भी स्ट्रक्चर होता है लीनियर अब हम बात करते हैं किसी ऐसे मॉलिक्यूल की जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है थ्री ठीक है तो अब थ्री को हमें अगेन इस फेयर के अंदर ऐसे एडजस्ट करना है कि तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो एंड वी सी कि ये है वो अरेंजमेंट जब हम इस फेयर के अंदर उसे ऐसे अरेंज कर देंगे या फिर आप ऐसे देख लो ऐसे अरेंज कर देंगे तो क्या होगा ये तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे जिसकी वजह से इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होगा तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एंगल है इनके बीच का दैट एंगल इज वन डिग्री ईच दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अरेन्जमेंट इन साइड दिस फेयर तो ये इस शेप को हम क्या कहेंगे तीन चीजें हैं सो ट्राइगोनल और ये एक प्लेन में लाई कर रहा है राइट दिस इज लाइक वन सिंगल प्लेन सो द नेम इज ट्राइगोनल प्लेनर तो आप एग्जाम्पल ले लो लेट से बी एफ थ्री का तो इसकी जो शेप है दट इज ट्राइगोनल प्लेनर अब अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो फोर ठीक है, टोटल नंबर पेयर मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू फोर तब मेरा शेप कैसा होगा तब फिर से मैं सारा हिट एंड ट्रायल ट्राई करूंगी और फाइनली मैं देखूंगी कि ये चार बेलून्स को जो है अगर मुझे स्फीयर के अंदर ऐसे फिट करना है ताकि ये चारों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे तो मुझे मिलेगा कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल शेप ठीक है सो दिस इज आवर टेट्रा शेप सो दीज शेप्स ऑफ बेलून्स आर जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से ये शेप्स बनते हैं एंड इस शेप को हम क्या कहते हैं टेट्रा मतलब फोर चार बेलून्स है ना चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स है सो टेट्रा दिस इज कॉल्ड टेट्रा

दो पिरामिड बन रहे तो बाई पिरामिडल हो गया हुआ कि नहीं और ये जो पिरामिड का जो बेस है ये क्या है तीनों येलो बैलून को अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो यू गेट अ ट्राइंगल सो दिस इज ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल सिंपल शेप अगर समझ में आ गया तो नाम तो वैसे ही याद रहेगा राइट सो दिस इज ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल इस शेप की अगर थोड़ी और डिटेल हम देखें तो ये कुछ ऐसा होता है कि ये जो पर्पल बैलून्स का जो ये लाइन है और ये जो येलो बैलून्स हैं दे मेक 90 डिग्री भी तीच अदर मतलब ये वाला जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री और ये जो दो येलो बैलून्स हैं इनके बीच का जो एंगल है दैट इज़ वन डिग्री एंड दिस शेप इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड (PCl5) में आपको देखने को मिलेगा ये वाला शेप जहां पर सेंट्रल आइटम इज फॉस्फोरस एंड इट इज अटैच टू फाइव क्लोरीन एटम्स ठीक है तो सेंट्रल आइटम कहां पर है इन बैलून के अरेंजमेंट्स में आपको पता है राइट जहां पर ये सारे बेलून बीच में टाइड है सो दैट सेंट्रल पोजिशन इज द सेंट्रल आइटम एंड फाइनली जब आपके पास टोटल छह बलून यानी कि टोटल छह इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तब आपको मिलेगा एक ऑक्टा हिड्रल जियोमेट्री ठीक है तो अब देखो अभी तक जो है हमने कितनी ज्योमेट्री डिस्कस की तो हमने अभी तक डिस्कस किया है लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल एंड ट्रस्ट में बच्चों अगर आपको ये पांच स्ट्रक्चर्स समझ में आ गए कि कितने बलून्स रहने पे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा तो समझ लो कि अब आगे हम जो भी करने वाले हैं ना वो सब कुछ आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में होगा कुछ समझने की जरूरत नहीं है सिर्फ ये बलून्स के जो पांच स्ट्रक्चर्स हैं ये अगर आपको समझ में आ गया वेस्पर थ्योरी यूज करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आराम से बता दोगे तो अभी तक हमने इन बलून के हेल्प से जो भी स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए और जो भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए खास करके जैसे कि बी BF3, सी एल टू बी एफ थ्री सी एच फोर पी सी एल फाइव इन सब में एक कॉमन बात थी और वो कॉमन बात ये थी कि इन सब के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जीरो थे यानी कि इनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं सेंट्रल एटम के ऊपर सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे ठीक है अब आप पूछोगे ठीक है बट अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहे भी तो क्या फर्क पड़ जाएगा फर्क तो पड़ेगा क्योंकि जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पिक्चर में आ जाएंगे तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे ही ये रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आने लगेंगे एंड दिस इज वेयर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट शेप एंड जियोमेट्री सेपरेटली यही पर मैं बताऊंगी कि शेप और जियोमेट्री दो अलग चीजें हैं ठीक है तो अभी तक ये जो बलून से हमने जो भी स्ट्रक्चर की बात की वॉट वेर दे देर जियोमेट्री चाहे वो लीनियर हो चाहे वो ट्राइगोनल प्लेनर हो चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे वो ट्राइगोनल बाईपेरामिडल हो या फिर ऑक्टाहेड्रल हो ये सारे जो हमने डिस्कस की दे आर ऑल ज्योमेट्रीज और ज्योमेट्री क्या होता है किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है वो पता चलता है उसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन से मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का अरेंजमेंट साथ में बताता है कि इसका ज्योमेट्री कैसा है ठीक है लेकिन जहां हम शेप की बात करते हैं तो शेप इज डिफाइंड बाय बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब जहां पर बॉन्ड है वही सिर्फ शेप को बताएगा तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल का हम शेप देखने की कोशिश करेंगे तो आप यूँ समझो कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना जो वो वेलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अकेले पड़े हैं वो गायब हो जाएंगे ठीक है मतलब गायब हो नहीं जाएंगे शेप को बताने के लिए यू विल एज्यूम कि जो मेरे लोन पेयर है वो नहीं है क्योंकि शेप हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स बताता है जहां पर बॉन्ड बन रहा है वही सिर्फ हमारा शेप बताता है ठीक है तो अब सबको समझ आया कि अभी पीछे मैंने जो भी एग्जाम्पल्स लिए थे ना BeCl2, BF3, CH4, टू बी एफ थ्री सी एच फोर पी सी एल फाइव इन सब में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं इसीलिए इनकी जियोमेट्री और शेप दोनों सेम थी तो अगर मैं BeCl2 टू की बात करूं तो इसकी जियोमेट्री भी लीनियर है और इसकी शेप भी लीनियर है अगर मैं बी एफ थ्री की बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री ट्रैंगुलर प्लेनर है और इसके शेप भी ट्रैंगुलर प्लेनर है और इसका कारण क्या है क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है तो चलो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का तो आप बस मेरे साथ साथ जो है ये स्टेप्स फॉलो करते चले जाओ तो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से आप सभी मॉलिक्यूल का शेप बता पाओगे ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम है कार्बन ठीक है अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि कार्बन में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ठीक है थीके? ये हम कैसे निकालेंगे लूव स्ट्रक्चर के हेल्प से हम सभी को लूव स्ट्रक्चर बनाना आता है अभी तो तो देखो इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो इसके चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये चारों जो है ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है तो यानी कि यहां पर लोन पेयर कितने हैं जीरो बॉन्ड पेयर कितने हैं अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है हमने वेस्पर थ्योरी का एक पढ़ा था था जो कहता था कि चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो हम सबको सिंगल बॉन्ड की तरह कंसिडर करेंगे ठीक है तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि, कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है एक सिंगल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक सिंगल बॉन्ड इज वन इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहां पर वैसे कायदे से देखा जाए तो एक दो तीन चार फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व हैं लेकिन हम इस फोर इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कंसिडर करेंगे टू इलेक्ट्रॉन का सुपर पेयर यही तो हमने पढ़ा था वेस्पर थ्योरी के पॉस्ट्यूलेट में राइट right? तो हम डबल बॉन्ड को डबल की तरह कंसिडर नहीं करेंगे हम कंसिडर करेंगे इधर एक सिंगल बॉन्ड है इधर एक सिंगल बॉन्ड है तो इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो टोटल बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा दो ठीक है क्लियर है इसमें किसी को कंफ्यूज नहीं होना है जब भी वेस्ट थ्योरी लगाना है बॉन्ड डबल हो चाहे ट्रिपल हो हम सब कुछ कुछ सिंगल बॉन्ड की तरह एज्यूम करते हुए चलेंगे ठीक है अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर निकालते हैं ये हमें ज्योमेट्री बताता है ठीक है तो जीरो प्लस टू यानी कि टू टू है इसका मतलब हम क्या याद करेंगे याद करो अभी हम बलून के हेल्प से बहुत सारी चीजें देख रहे थे कि अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब मेरी ज्योमेट्री कैसी होगी लीनियर एक्जैक्टली exactly. यही तो सीखा था हमने कि एक एक बलून जो है मेरा वो एक एक ऑर्बिटल की तरह है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बेसिकली एक बलून इज वन इलेक्ट्रॉन पेयर तो जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो एक दूसरे से मिनिमम रिपल्शन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस में रहेंगे और तब उनका शेप क्या हो जाएगा लीनियर तो बेसिकली इस केस में इनकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी लीनियर ठीक है अब अगर मैं बात करूं शेप की क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि शेप और जियोमेट्री सेम नहीं होता है तो शेप क्या हो जाएगा यहां पर लोन पेयर क्या है जीरो तो जिसका भी लोन पेयर जीरो होता है उसका शेप और जियोमेट्री सेम होता है तो इसका शेप भी हो जाएगा लीनियर तो कार्बन डाइऑक्साइड का जियोमेट्री और शेप दोनों लीनियर है तो इस तरह का दिखता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड तो हम इसी टाइप के स्ट्रक्चर से अभी जितने भी हम मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे ऐसे ही स्ट्रक्चर यूज करेंगे यहां पर ये यह जो व्हाइट वाले आपको बॉल्स दिख रहे हैं वो डिफाइन करेंगे बॉन्डेड आइटम्स को और जो ये पिंक वाला है दैट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल एटम ठीक है क्लियर हो गया अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ आप अपने बुक में देखोगे कि एक टेबल दी हुई है जहां पर बहुत सारे फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है जैसे ए बी ए बी टू ए बी थ्री तो जैसे जैसे हम ये एग्जांपल्स डिस्कस करते चले जाएंगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये किस फॉर्म का मॉलिक्यूल है तो बेसिकली सी टू जो है वो ए बी टू फॉर्म का मॉलिक्यूल है जहां पर ए सेंट्रल एटम है बी जो है ये बॉन्डेड एटम्स है यहाँ पर दो बॉन्डेड एटम्स है और यहाँ पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ठीक है तो बच्चों वॉट डू यू थिंक ये जो थ्योरी थी इस थ्योरी से हम काफी आसानी से अलग अलग मॉलिक्यूल्स के शेप्स और उनके ज्योमेट्रीज के बारे में बता पा रहे हैं सो लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी इसकी खासियत क्या थी एक तो इट इज वेरी सिंपल टू यूज अगर आपको सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आई थिंक उतना नॉलेज ही इनफ है टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल तो इट्स वेटी सिंपल टू यूज इससे हम काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के शेप और उनके ज्योमेट्रीज बता पा रहे हैं तो अब हम बात करते हैं वेस्पर थ्योरी के डिमेरिट्स की इनमें खामियां क्या थी क्या लिमिटेशंस थी तो पहला लिमिटेशन तो ये था कि ये थ्योरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए फेल हो गई क्यों क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो उस लॉजिक के साथ उनके शेप्स सेम होंगे बट ऐसा था नहीं तो इसीलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ये थ्योरी फेल हो गई इतना ही नहीं कई सारे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड के लिए भी ये थ्योरी फेल हो गई तीसरा डिमेरिट ये था कि ये जो पूरी की पूरी थ्योरी थी ये क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड नहीं थी हमने पढ़ा था राइट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि पहले था क्लासिकल थ्योरी बोहर्स थ्योरी ऑफ एटम तक जो था वो क्लासिकल थ्योरी था जहाँ पर हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल शेल्स में घूमता है गोल गोल ऑर्बिट्स में घूमता है तो ये जो हमारी वैश्पत थ्योरी है ये भी उसी थ्योरी पे बेस्ड है जहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारा वैलेंस शेल जो है वो एक पर्टिकुलर स्फियर है और उसी में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी एंड फाइनली जो चौथा डिमेरिट था वो ये था कि इस थ्योरी से हमें शेप तो पता चल रहा है बट उससे ज्यादा और कुछ नहीं पता चल रहा है मतलब यहाँ पर हमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं पता चल रही है किसी भी मॉलिक्यूल के कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी या कैसी होगी इस बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो इसकी वजह से क्या हुआ और क्या इसकी वजह से एक और अगला थ्योरी आया और जो अगला थ्योरी आया उसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई ये थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी फर्दर बाद आई मॉलिक्यूलर और बाइटल थ्योरी जिसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी क्वांटम थ्योरी क्या कहता था याद है हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जिसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गोल गोल इस तरह से घूम नहीं रहे हैं इलेक्ट्रॉन इनफैक्ट एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और एक वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाया जा सकता है ये हमें बताता है एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर जिसे हम कहते हैं वेव फंक्शन यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑल दीज कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट तो ये थ्योरी का ये मानना है कि जब दो एटम्स पास आते हैं तो क्या होता है इनका जो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स है सो नाउ यू सी हम हर चीज एटॉमिक ऑर्बिटल के टर्म्स में बात कर रहे हैं राइट right? क्योंकि जो वैलेंस शेल है बेसिकली शेल के अंदर है सबसेल्स सबसेल के अंदर है एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जैक्टली तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होंगे ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे और इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अप हो जाएंगे और इसी तरीके से इनके बीच में बनेगा बॉन्ड और इसी तरीके से एटम्स जो हैं वो साथ में मिलकर के बनाएंगे मॉलिक्यूल्स तो ये था इसका कॉन्सेप्ट तो अब ये ऑर्बाइटल ओवरलैप एग्जैक्टली होते कैसे हैं इसे समझने के लिए हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं लेट अस सपोज ये दो हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं ठीक है ठीके? मैंने दो अलग-अलग कलर सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी हो बट अदरवाइज दे आर टू आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स ठीक है अब जैसे ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे तो क्या होगा दो तरह की फोर्सेस ऑपरेट करने लगेंगी। एक तो एट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा रिपल्सिव फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में अब देखो एट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ये पर्पल वाले आइटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी है और पर्पल वाले आइटम के न्यूक्लियस और येलो वाले ऐटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी है राइट एंड सिमिलरली फॉर द येलो एटम ठीक है मतलब एक का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है और एक का न्यूक्लियस पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है ठीक है अब दूसरा है रिपल्सिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में होगा इन दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं ये रिपेल करेंगे मतलब येलो का इलेक्ट्रॉन पर्पल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा उसी तरह येलो का न्यूक्लियस पर्पल के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा करेक्ट तो कुल मिला के हमारे पास दोनों जैसे जैसे ये आगे आ रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है जिसकी वजह से ये स्टिल पास आए जा रहे हैं राइट right? तो इसीलिए आगे बढ़े आगे आते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इनका जो एट्रैक्टिव फोर्स है और जो रिपल्सिव फोर्स है ये बैलेंस आउट कर जाएंगे यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी बिल्कुल मिनिमम और जब एनर्जी मिनिमम होती है तो क्या अधिक होता है स्टेबिलिटी बिल्कुल ये पास आते 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 एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर इनकी एनर्जी हो जाती है मिनिमम और ऐसे पॉइंट पर ये हो जाते हैं पूरी तरह से स्टेबल और ऐसे ही पॉइंट पे हम ये कहते हैं कि ये जो दोनों एटम्स हैं दे हैव फॉर्म्ड अ स्टेबल बॉन्ड बट हम क्या देखते हैं कि ऐसे पॉइंट के आते आते ये जो दो एटम्स थे इनके जो बेसिकली जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वो एक दूसरे के अंदर एंटर कर चुके हैं एंड दिस इज़ वॉट वी कॉल एज ओवरलैपिंग मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये ओवरलैप कर चुके हैं ये इंटरपेनेट्रेट कर चुके हैं पार्शियली पेनेट्रेट जिसे हम कहेंगे मतलब पूरी तरह से तो नहीं घुस गए हैं बट एटलीस्ट एक दूसरे के अंदर काफी हद तक ये एंटर कर चुके हैं और इस एंटर करने से ही बनती है क्या हमारी कोवेलेंट बॉन्ड तो यहां हमने देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है अब ये ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा कैसे ऐसे समझो मान लो ये दो मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों बस यूं टच कर रहे हैं एक दूसरे को ठीक है बस इतना ही टच कर रहे हैं तो ये ये इतने स्टेबल नहीं है कभी भी इसे हम हटा सकते हैं आसानी से हटा सकते हैं लेकिन अगर ये एक दूसरे को यूं पकड़ ले तो क्या होगा ज्यादा स्टेबल हो गए अभी इन्हें हटाना थोड़ा मुश्किल है ये अगर एक दूसरे को और अच्छे से पकड़ ले तो इन्हें हटाना और ज्यादा मुश्किल है यानी कि ये और ज्यादा स्टेबल हो गया तो इन अ सिमिलर वे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है ओवरलैप अगर ज्यादा होगा अगर इतना ओवरलैप है तो बॉन्ड जो है ज्यादा स्टेबल हो गया अगर और ज्यादा ओवरलैप होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्ड ठीक है और ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता जाएगा बॉन्ड की जो लेंथ है वो छोटी होती जाएगी देखो जब यहाँ थे तो बॉन्ड लेंथ इतना था मतलब जो मेरे दोनों थंब का डिस्टेंस है लेट अस सपोज दैट इज द बॉन्ड लेंथ तो यहाँ इस केस में इतना था बॉन्ड लेंथ जब ज़्यादा ओवरलैप हुआ बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया और ज्यादा ओवरलैप हुआ बॉन्ड लेंथ और छोटा हो गया राइट तो जितना ज्यादा ओवरलैप होता जाएगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतना स्टेबल होता जाएगा और बॉन्ड की जो लेंथ है वो उतनी छोटी होती जाएगी ठीक है तो अब जब ये ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है तो बेसिकली उसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है तो लेट्स से ये एक अटोमिक ऑर्बिटल है ये एक अटोमिक ऑर्बिटल है इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जब ये ओवरलैप करते हैं तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सोचते हैं कि अरे वाह ये तो अच्छा मौका है लेट्स पेयर अप तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं बट इस बात का ध्यान देना है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए क्योंकि सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन पेयरअप तो होते नहीं है राइट उनका स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए तो अगर दोनों में इन दोनों ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन है तो जैसे ही ये ओवरलैप करेंगे दीज इलेक्ट्रॉन्स विल पेयर अप एंड एज अ रिजल्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हैपेंस हाँ। अब एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ये ओवरलैप है ये कई तरह से हो सकता है एक होता है पॉजिटिव ओवरलैप एक होता है नेगेटिव ओवरलैप एक होता है जीरो ओवरलैप तो ओवरलैप कैसा वाला होगा ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक तो है फेज और दूसरा है ओरिएंटेशन इन स्पेस जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम फेज में होते हैं ठीक है जब वो सेम फेज में होते हैं और उनका सेम ओरिएंटेशन होता है

है क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स आर इन फेज ठीक है नेगेटिव ओवरलैप का मतलब है जब दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर इन डिफरेंट फेज ठीक है अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है एक माइनस है तो दूसरा प्लस है तो जब वैसे वो ओवरलैप करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव ओवरलैप या फिर आउट ऑफ फेज ओवरलैप ठीक है तीसरा होता है जीरो ओवरलैप मतलब जब वो ओवरलैप करते ही नहीं है लेटर से ये दो ऑर्बिटल है ये मेरा एस ऑर्बिटल है ये मेरा पी ऑर्बिटल है ठीक है अब अगर ये इस तरह से ओवरलैप करें ओवरलैप तो हो ही नहीं रहा है तो ये जीरो ओवरलैप है या फिर अगर ये इस तरह से ओवरलैप करें ओवरलैप नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो यहां यहां बैठे हैं तो इनसे ओवरलैप करने के लिए तो इधर इधर से करना पड़ेगा ना ओवरलैप या तो हम ऐसे ओवरलैप करें या फिर हम ऐसे ओवरलैप करें बट अगर हम यहां ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ओवरलैप अब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड अब सिग्मा बॉन्ड के अंदर भी हम अलग अलग तरह के ओवरलैपिंग नोटिस करते हैं जैसे कि एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग यानी कि एस एस ओवरलैपिंग एस पी ओवरलैपिंग पी पी ओवरलैपिंग तो चलो डिटेल में समझते हैं पहले सिग्मा बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड में किस तरह की ओवरलैपिंग होती है यहां पर होती है एंड टू एंड ओवरलैप या फिर इसे हम कहते हैं हेड हेड ऑन ऑन ओवरलैप ओवरलैप मतलब मतलब यू, दोनों ऑर्बिटल जो है ना वो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे कैसे देखते हैं तो ये है मेरा छोटा सा क्यूट सा एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होता है है ठीक यहां पर मैंने क्यूट सा हेड भी बना दिया है ताकि आपको वो समझ आए कि हेड ऑन ओवरलैप कैसा होता है ठीक है एंड दिस इज आवर पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है कुछ इस तरह का दिखता है ठीक है इसका भी मैंने हेड भी बना दिया है और इसकी तो बॉडी भी बन गई है ठीक है तो ये मेरे दोनों हैं अब अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों ऑर्बिटल को हेड ऑन ओवरलैप करना है मतलब हेड टू हेड ओवरलैप करना है तो किस तरह की होगी ओवरलैपिंग कुछ यू होंगी करेक्ट या फिर ऐसे भी हो सकती है हेड टू हेड हेड ऑन इसे हम कहते हैं और ये ही होता है जब इस तरह की ओवरलैपिंग होती है जब ऑन ओवरलैपिंग होती है तब बनता है सिग्मा बॉन्ड ठीक है एक और बात जब भी इस तरह की हेड ऑन ओवरलैप होती है तो ये ओवरलैप जो है ना काफी स्ट्रोंग होती है मतलब ये एक दूसरे में काफी ज्यादा ओवरलैप करते हैं एंड एज अ रिजल्ट जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है क्लियर यहां तक ग्रेट अब देखो यहां पर जो है ना दो तीन बातें याद रखनी है सिग्मा बॉन्ड माने स्ट्रांग बॉन्ड एस फॉर सिग्मा एस फॉर स्ट्रांग उसी तरह सिग्मा बॉन्ड आपको कहां मिलेगा जहां पर भी जहां पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे दैट इज सिग्मा बॉन्ड कहीं पर भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ले लो जहां सिग्मा बॉन्ड दिखा दैट सिग्मा बॉन्ड इज बेसिकली अ सिंगल बॉन्ड तो एस फॉर सिग्मा एस फॉर सिंगल एस फॉर सिग्मा एस फॉर स्ट्रॉन्ग याद रहेगा सबको ग्रेट अब किस किस तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है सिग्मा बॉन्ड के अंदर एक हो सकता है एस एस ओवरलैपिंग यानी कि दो एस ऑर्बिटल ठीक है ओवरलैप कर सकते हैं हेड ऑन क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो बेचारे एस ऑर्बिटल होते हैं ना ये तो गोल से होते हैं इनके पास तो सिर्फ हेड ही है तो हेड ऑन ओवरलैप तो कर ही सकते हैं तो ये दो एस जब इस तरह से हेड ऑन ओवरलैप करेंगे इससे बनेगा एस एस ओवरलैपिंग एंड दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड दूसरा होता है एस पी ओवरलैपिंग मतलब जब एक एस ऑरबाइटल और एक पी ऑर्बाइटल ये दोनों हेड ऑन ओवरलैप करेंगे तो इसे हम कहेंगे एस पी ओवरलैपिंग अब ये तो सबको पता ही है कि ऑरबाइटल की ओवरलैपिंग होती ही तब है जब ये ऑरबाइटल्स हाफ फिल्ड होते हैं जब इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ताकि जैसे ही ये ओवरलैप करें वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कर जाएं एंड दैट्स हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन हैपन्स और तीसरा होता है ओवरलैपिंग पीपी ओवरलैपिंग में क्या होगा जब दो हाफ फिल्ड पी और हेड ऑन ओवरलैप करेंगे कुछ इस तरीके से तब हम उसे कहेंगे पी पी ओवरलैपिंग तो कुल मिलाकर हमने यह देखा कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर एस एस ओवरलैपिंग हो सकती है एस पी ओवरलैपिंग हो सकती है और पीपी ओवरलैपिंग भी हो सकती है चलो अब बारी है पाई बॉन्ड की पाई बॉन्ड, की? पाई बॉन्ड क्या होता है पाई बॉन्ड वो होता है जहां पर ऑर्बिटल्स की साइडवाइज ओवरलैप होती है साइडवाइज ओवरलैप बोले तो जैसे मान लो ये मेरे दो प्यारे से पी ऑर्बिटल्स हैं ठीक है अब की बार ये हेड ऑन ओवरलैप नहीं करेंगे कैसे ओवरलैप करेंगे इस तरीके से साइडवाइज ओवरलैप करेंगे और जब भी वो इस तरह से साइडवाइज ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा बनेगा पाई बॉन्ड एग्जैक्टली exactly. सो so, पाई बॉन्ड मतलब साइडवाइज ओवरलैप दूसरी बात ये जो पाई बॉन्ड होता है ना ये हमें पी ऑर्बिटल्स में तो देखने को मिलता है लेकिन एस ऑर्बिटल में देखने को नहीं मिलता है ऐसा क्यों अब यार एस ऑर्बिटल मेरा छोटा सा क्यूट सा इसके पास तो बेचारा सिर्फ हेड ही है तो ये हेड ऑन ओवरलैप ही करेगा ना साइड वाइज ओवरलैप करेगा कैसे तो अगर आप देखो तो एस ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है उस शेप के हिसाब से अगर वो कभी भी ओवरलैप करेंगे तो वो हेड ऑन ओवरलैप ही हो जाएगा राइट तो यही किसी वजह से हमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये कहां देखने को मिलता है ऑर्बिटल्स में देखने को मिलता है लेकिन एस ऑर्बिटल्स में देखने को नहीं मिलता है कि जब भी ये साइडवाइज ओवरलैप होता है तो उस टाइम पर इनके जो एक्सेस है चाहे इनका हॉरिजॉन्टल एक्सेस देख लो या इनकी वर्टिकल एक्सेस देख लो ये थ्रूआउट पैरल रहते हैं एक दूसरे के राइट right? तो चलो इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं पाई बॉन्ड की जब भी हम बात करेंगे तो वी विल बेसिकली टॉक अबाउट साइड वाइज ओवरलैपिंग क्योंकि अगर किसी भी दो ऑर्बिटल को इस तरीके से ओवरलैप करना है कि इनके जो एक्सिस है ना वो पैरेलल रहे एक दूसरे के फॉर एग्जांपल ये वाला जो एक्सिस है वो इस एक्सिस के पैरेलल है ये वाला जो एक्सिस है वो इस एक्सिस के पैरेलल है अगर सारे एक्सिस पैरेलल रहने हैं और फिर भी उन्हें ओवरलैप करना है तो वो सिर्फ इसी तरीके से ओवरलैप कर पाएंगे और इस तरीके के ओवरलैप को हम कहते हैं वाइज ओवरलैपिंग ठीक है अब देखो ये किसी और तरीके से भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल हियर यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इनके जो एक्सिस है ना ये सारे एक दूसरे से पैरल हैं बट स्टिल ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं राइट हेड ऑन ओवरलैप नहीं हो रहा है ये साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है करेक्ट तो ये ऐसे सिचुएशंस में बनते हैं पाई बॉन्ड अब पाई बॉन्ड बनने के बाद जैसे कि इस तरह का साइड वाइज ओवरलैप होने के बाद हमें क्या मिलता है हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है कैसे अब आप देखो इस एक्सिस के ऊपर वाला जो शेप है ना ये वाले शेप को अगर आप गौर करो तो ये शेप कुछ इस पैटर्न का आ रहा है राइट साइड में ज्यादा और बीच में थोड़ा कम उसी तरह नीचे वाले शेप को भी अगर थोड़ा गौर करो तो कुछ इस पैटर्न का शेप आ रहा है तो एग्जैक्टली दैट इज वॉट वी गेट आफ्टर साइड वाइज ओवरलैप तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि द ऑर्बाइटर्स फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग कंसिस्ट ऑफ टू सॉसर टाइप चार्ज क्लाउड्स अब एंड बिलो द प्लेन ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स तो इस तरह के हमें सॉसर यानी कि प्लेट टाइप के शेप में हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये है पाई बॉन्ड ओके सो आई एम बैक अगेन अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अब सिग्मा बॉन्ड में चूंकि हेड ऑन ओवरलैप होता है तो ये जो ओवरलैपिंग होती है ये काफी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है जिसकी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है मैंने पहले भी बताया था एस फॉर सिग्मा एस फॉर स्ट्रांग दूसरी तरफ जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो इस केस में इनकी ओवरलैपिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती है और जिस वजह से पाई बॉन्ड कंपेरेटिवली काफी वीक होता है ग्रेट तो अब हम बात करने वाले हैं रोटेशन की हम ये देखते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा ऐसा लिखा रहता है टेक्स्ट बुक्स में बट इसका मतलब क्या होता है ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ मैं लेकर आई हूं एक होम मेड इथेन का स्ट्रक्चर यानी कि सी टू एट सिक्स जो ये रेड वाले बॉल्स दिख रहे हैं दे आर कार्बन और जो बाकी छोटे छुट छोटे बॉल्स दिख रहे हैं दे आर हाइड्रोजन और ये जो डंडे दिख रहे हैं बीच में दे रिप्रेजेंट द सिंगल बॉन्ड्स तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है मेरा ये जो बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है अगर मैं उसकी बात करूं तो इसके अबाउट मैं बिल्कुल आराम से इसे रोटेट कर सकती हूँ फ्री रोटेशन इज पॉसिबल कहीं से भी देखो इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट इसे रोटेट कर सकते हैं इनफैक्ट किसी भी सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन इज आराम से पॉसिबल और यही हम कहना चाहते हैं वी से कि फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट सिग्मा बॉन्ड अब देखते हैं कि पाई बॉन्ड के केस में क्या होगा तो अब आ गया है मेरे हाथ में क्या मेरे हाथ में आ गया है इथिन का स्ट्रक्चर यानी कि सी टू एच फोर तो इथिन में क्या होता है बीच में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बोले तो पाई बॉन्ड है इसमें करेक्ट तो अब देखो अब क्या मैं ठीक उसी तरीके से जैसे मैं पिछले वाले स्ट्रक्चर में इसे आराम से रोटेट कर रही थी क्या मैं वैसे रोटेट कर पा रही हूं अब तो रोटेट ही नहीं हो रहा है नो मैटर हाउ मच आई ट्राई बट अब रोटेशन इज नॉट पॉसिबल क्यों बिकॉज इस डबल बॉन्ड की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये लॉक हो चुका है और अगर मैं बहुत ज्यादा ट्राई करूंगी तो क्या होगा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सो दैट्स द रीजन हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल लेकिन सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन इज वेरी मच पॉसिबल ठीक है तो बच्चों आई वुड वॉन्ट यू ऑल्सो टू क्रिएट आएगा पढ़ने का तो बच्चों के बारे में जो भी पढ़ा उसके बेसिस पर हम इन दोनों के बीच में इस से कर सकते हैं ठीक है सबसे पहला डिफरेंस क्या है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है फॉर्मड बाई ओवरलैप ऑफ ऑर्माइटल अलॉन्ग एयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यानी कि जिसे हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग उनके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है ये कैसे होता है बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग ठीक है सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है एस एस ओवरलैप एस एस या पीपी के ओवरलैप से बनता है पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो ये सिर्फ पीपी ओवरलैप से बनता है एस बनेगा कैसे हमने देखा है ना एस में तो सिर्फ हेड ही हेड होता है साइड वाइज ओवरलैप नहीं हो पाता है सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैप ज्यादा होता है ज्यादा वो लोग एक दूसरे के अंदर पेनेट्रेट करते हैं एज अ रिजल्ट द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग यहां पर ओवरलैप कम होता है तो बॉन्ड इज वीक सिग्मा बॉन्ड हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम देखते हैं जैसे देखो ये ओवरलैप किया ठीक है तो देखो ये ओवरलैप किया तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना ओवरलैप वाले रीजन में जस्ट वन क्लाउड लेकिन जैसे ही हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास दो क्लाउड होते हैं सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल हमने थोड़ी देर पहले देखा था पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल सिग्मा बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड है तो दैट इज सिग्मा बॉन्ड और जहां मल्टीपल बॉन्ड्स हमें दिखता है चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वहां पर पिक्चर में आता है पाई बॉन्ड तो ये है सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कहानी यहां तक तो सही जा रही थी बट अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि इस थ्योरी के बेसिस पर हम जो हैं सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे जैसे अगर हम बात करें मीथेन की सी एच फोर या फिर एन एच थ्री एमोनिया की या फिर वाटर एच टू ओ की इन सारे स्ट्रक्चर्स में हम क्या देखते हैं कि इनके जो बीच के एंगल्स हैं ना वो कुछ ऐसे हैं किसी में 109.5 डिग्री है तो किसी में 107 डिग्री है तो किसी में 104.5 डिग्री है ठीक है अब हमारा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसका कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि यार ये जितनी भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ये ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रही है ठीक है तो उस हिसाब से अब जैसे मान लेते हैं हम बात करते हैं P P के जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं पी एक्स पीवाई पी जेट वो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं है कि नहीं तो अब सोचने वाली बात है कि अगर सिर्फ ऑर्बिटल के ओवरलैप से ही ये सारी चीजें बन रही है तो अब पी एक्स पीवाई पी जेड तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है उनके साथ अगर कोई दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैप कर भी रहा है बट स्टिल उनके बीच का एंगल तो फिर 90 डिग्री ही रहना चाहिए तो फिर ये ऐसे अलग-अलग वैल्यूज -अलग कहाँ से आ रही हैं एंगल्स की तो कुछ तो गड़बड़ था ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट मीथेन और हम समझते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही थी ठीक है तो लेट्स टॉक अबाउट मीथेन अब मीथेन के अंदर मेरा सेंट्रल एटम क्या है कार्बन अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो क्या होगा 1s2 2s2 2p2 यानी कि 2s के अंदर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p के अंदर हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और ये तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ऑलरेडी सीखा है कि जहां पर भी जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो ऑर्बिटल ओवरलैप करने जाते हैं और फिर वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरअप कर जाते हैं ये हमें पता है तो अब ये जो कार्बन है मेरा ये क्या ये क्या करना चाहेगा ये अपने ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको अप करना चाहेगा तो इसने बोला ठीक है एक अच्छा आइडिया है कि मैं दो हाइड्रोजन को बुलाता हूं और उनके साथ ओवरलैप कर लेता हूं साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया ठीक है तो अगर कार्बन ऐसा करता है तो क्या बनेगा मेरा जो कंपाउंड है वो बनेगा सी एच टू ठीक है अब मुझे यह बताओ कि क्या सी एच टू मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इन रियालिटी इट डजेंट एग्जिस्ट बिकॉज सी एच टू इज अ वेरी 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 रिएक्टिव मॉलिक्यूल एंड दैट्स वाई इट डजेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कौन करता है मीथेन सी एच फोर तो अब अगर मैं कहूं कि ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट था इस थ्योरी से तुम मुझे समझाओ कि सी एच फोर क्यों बन रहा है सी एच टू तो बन नहीं रहा है सी एच फोर क्यों बन रहा है तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो यहीं पर आती है एक नई कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन यस yes! तो हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत यहीं से होती है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे अब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में ये कहते हैं हम कि यार होता ऐसा है ना कि अभी देखो जो कार्बन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा उसमें इसका वैलेंस शेल क्या है एन इज इक्वल टू टू दैट इज द वैलेंस शेल तो मतलब वैलेंस शेल में टू एस और टू पी ये दोनों और हैं ठीक है टू एस का एनर्जी जो है वो टू पी से थोड़ा सा कम है ठीक है तो हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि यार ऐसा करो ना कि 2s और 2p ये दोनों जो है कंबाइन होके बना देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और फिर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाएंगे तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाएंगे तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का आई एम ब्रिटिश आपको अभी कुछ नहीं समझ आया होगा कि एग्जैक्टली exactly कैसे बनता है सी एच फोर बट ये तो बस इंट्रो है मैं सिर्फ इंट्रो दे रही हूं कि हाइब्रिडाइजेशन जरूरी क्यों था कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आया ठीक है इतना समझ आ गया तो चलो बस अब समझेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर तो हाइब्रिडाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था पॉलिंग ने तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी एटम के अंदर जो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इन सब की एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट होती है इन सब की एनर्जी बराबर होती है अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे मिक्सअप होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों बनाते हैं क्योंकि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे फॉर्म बेटर स्टेबल बॉन्ड्स ये बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं ओके okay? ठीक है अगर यहाँ पर हम एक स्टोरी से समझें तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छा समझ आएगा hmm, वो तो है चलो एक स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हैं लेट अस सपोज कि एक कंट्री में किसी भी देश में जैसे हम हमारे देश की बात करते हैं हमारे देश में जैसे कुछ भी अगर होता है जैसे लेट से कोई लड़ाई छिड़ जाती है कोई वॉर होता है तो क्या हम डायरेक्टली लड़ने चले जाते हैं नहीं हम तो आराम से प्रोटेक्टेड बैठे रहते हैं लड़ने कौन जाते हैं जो बॉर्डर पे हैं जो हमारे आर्मी के लोग हैं वो जाते हैं राइट अच्छा अब ये जो आर्मी के लोग हैं ये कौन है ये हमारे ही जैसे लोग हैं जिन्होंने एक स्पेशल ट्रेनिंग अंडरगो की है और वो अब इस लायक है कि दे कैन हैंडल सच वॉर लाइक सिचुएशन ठीक है ये बात तो सबको समझ आ रही है ठीक है अब बात करते हैं हम एक एटम की ठीक है अब मान लो एटम को बॉन्ड बनाना है ठीक है तो एटम इज लाइक द कंट्री देश जो है दैट इज एटम और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दैट इज लाइक द वॉर जंग जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन है अभी के लिए बस एज्यूम करो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एनोलॉजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ठीक है तो अब एटम को जो है बॉन्ड बनाने के लिए अपने कुछ ऑर्बिटल्स को भेजने हैं तो वो किसको भेजेगा जो अंदर इनर ऑर्बिटल्स हैं वो तो प्रोटेक्टेड है उनका कुछ काम ही नहीं है तो वो इनर ऑर्बिटल्स हमारे जैसे हैं जो प्रोटेक्टेड बैठे हैं अंदर तो एटम किसे भेजेगा जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं ठीक है थीके? अब वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो तो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में लेकिन देखा यह जाता है कि ये वैलेंस शेल में बैठे हुए जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज अलग अलग भी होती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि भाई कार्बन की ही बात करें उसके वैलेंस शेल में 2s भी है और 2p भी है अब 2s और 2p का एनर्जी तो अलग अलग है राइट अब बाउंड्री में बैठे जो भी बॉर्डर में बैठे हर एक इंसान को तो आप लड़ाई के लिए नहीं भेज सकते हो तो वो बंदा जो है दैट दैट गाई शुड बी ट्रेंड टू हैंडल द वॉर राइट तो एटम सोचता है कि ठीक है एक काम करते हैं कि, कि किसी की एनर्जी कम है किसी की एनर्जी ज्यादा है तो एक काम करो तुम लोग सब आपस में मिक्सअप हो जाओ सब आपस में जो है कंबाइन हो जाओ और जो टोटल एनर्जी है उसको इक्वली बांट लो ठीक है तो मान लो एक 2s एस है एक 2p पी है दोनों की एनर्जी अलग है तो एटम ने बोला कि भाई आपस में मिल मिल जाओ तुम जाओ तुम लोग मिक्स हो तो दोनों मिक्स हो गए जो टोटल एनर्जी है उसको वापस दोनों में बराबर बांट दिया तो अब बन क्या गया अब कोई s और p ऑर्बिटल नहीं रहा क्या रहा अब ये भी sp बन गया ये भी sp बन गया और दोनों की एनर्जी हो गई बराबर कि जो shell के atomic orbitals हैं वो कंबाइन हो जा रहे हैं और कंबाइन होके वो जो टोटल एनर्जी है उसे सब में बराबर बांट दे रहे हैं ठीक है सब में बराबर बंट गया तो अब मेरे पास क्या मिला मुझे आउटपुट मुझे मिला हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है अब एनर्जी सेम है इनकी शेप सेम है करेक्ट तो इनकी एनर्जी से, सेम है इनकी शेप सेम है और ये जो बॉन्ड बनाते हैं दे मेक मोर स्टेबल बॉन्ड्स तो ज्यादा बेहतर बॉन्ड भी बनाते हैं तो इस तरह से बनते हैं मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये जो प्रोसेस होता है द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन अब डेफिनेशन तो आप रटी लोगे अपनी किताब से बट ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो सबको समझ आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ग्रेट अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कुछ फीचर्स तो सबसे पहला फीचर द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड यानी कि अगर एक एस और एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा है तो मेरे कितने हाइब्रिड ऑरबाइटल बनेंगे दो क्योंकि एक एस और एक पी हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो टोटल दो बनेंगे ठीक है उसी तरह अगर एक एस और दो पी और हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो टोटल कितने बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? बाइटल्स तीन सो so, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ठीक है दूसरा फीचर जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं ये हमेशा इक्विवेलेंट हो, होते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन सबकी एनर्जीज बराबर होती है तीसरा फीचर इब्रिड ऑरबाइटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स ये ज्यादा स्टेबल बॉन्ड्स बनाते हैं और इनफैक्ट वही तो कारण है पूरे पूरा ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन के होने का ठीक है और चौथा फीचर यह है कि जो हाइब्रिड ऑरबाइटल्स होते हैं जैसा कि मैंने बताया कि इनके कुछ स्पेसिफिक शेप्स होते हैं राइट तो ये शेप्स किस तरह से डिसाइड करते हैं हम यहां पर भी वही सेम लॉजिक होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के शेप कुछ इस तरह से होते हैं कि इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो और रिपल्शन मिनिमम कब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे ठीक है तो अभी थोड़ी ही देर में हम अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में ठीक है तो अभी आपको समझ आ गया ये जो चार मेन फीचर्स हैं ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो अब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के इस प्रोसेस को होने के लिए ना हमारी कुछ शर्तें हैं कुछ कंडीशंस हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो पहला कंडीशन तो यह है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा मतलब जो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे दे शुड बी पार्ट ऑफ द वैलेंस शेल ठीक है क्योंकि इनर शेल वालों का तो वैसे ही कोई रोल नहीं होता है राइट तो जो वैलेंस शेल में है वही ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन होकर हाइब्रिडाइज हो सकते हैं ठीक है दूसरा कंडीशन ये जो ऑरबाइटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में इनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए एक्जैक्टली इक्वल तो नहीं बट ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ टू और टू की तो 2s और 2p की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल नहीं है बट इनके एनर्जी में थोड़ा ही डिफरेंस है तो इसीलिए ये दोनों साथ में कंबाइन होकर हाइब्रिडाइज हो सकते हैं बट अगर मैं बात करूं लेट्स से 2s और 3d की इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ऑबियसली ये दोनों जो हैं ये कभी भी हाइब्रिडाइज नहीं होंगे करेक्ट तो मतलब जो लोग हाइब्रिडाइज हो रहे हैं साथ में उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए दे शुड बी ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल एनर्जी क्लियर तीसरा कंडीशन ये है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बाइटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ऑर्बाइटल अगर वैलेंस शेल का पार्ट है बट अगर वो फिल्ड है तब भी कई बार देखा जाता है कि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है थीके? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन मतलब वो आपस में एटम के अंदर ही वो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो क्लियर यहां तक तो अब ये जो कंडीशंस हैं इन कंडीशंस के बेसिस पर ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ ऐसे एटम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी कम देखने को मिलता है तो जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा होती है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोरीन, फ्लोरीन इस तरह के एटम्स की तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कम देखने को मिलता है सो लेटर्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बहुत तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जैसे कि एस पी हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी एस पी थ्री डी टू डी एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री तो ये जो इतने सारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं इनका मतलब क्या होता है तो वेन में से एस पी हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब होता है जब एक एस ऑरबाइटल और एक पी ऑरबाइटल कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं एस पी हाइब्रिड ऑरबाइटल एस पी टू इसका मतलब जब एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एस पी थ्री जब एक एस ऑर्बिटल और तीन पी और साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं एस पी थ्री और और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आगे आप, वो आप खुद ही समझ गए हो कि वो कैसे बनते हैं ठीक है तो चलो अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं एस पी हाइब्रिडाइजेशन तो चलो डिस्कस करते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन तो जैसा कि मैंने बताया जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल साथ में मिक्सअप हो जाते हैं तो वो बनाते हैं एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज ठीक है तो कितने एस हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं दो क्योंकि एक एस और एक पी मिलके बनाते हैं दो एस हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये जो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है इसमें फिफ्टी परसेंट एस कैरेक्टर होता है और फिफ्टी परसेंट पी कैरेक्टर होता है क्योंकि ये दोनों मिलकर बना रहे हैं इसे राइट right? ये देखा गया है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स के सेंटर एटम पे एस पी हाइब्रिडाइज्ड होता है सेंट्रल एटम अगर एस पी हाइब्रिडाइज्ड है और अगर ये सेंट्रल एटम दो कॉर्नर एटम से अटैच है तो उस तरह के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है लीनियर यस yes. तो हम देखते हैं कि इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम के कंपाउंड्स में देखा जाता है कार्बन के कंपाउंड्स में भी देखा जाता है जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है अब बारी है sp2 टू हाइब्रिडाइजेशन की जब एक एस ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स साथ में मिक्सअप होते हैं तो ये बनाते हैं थ्री एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ठीक है और ऑब्वियसली नीडलेस टू से कि ये जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनकी इक्विवेलेंट एनर्जीज होती हैं ठीक है थीके? तो इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये बोरोन के काफी कंपाउंड्स में देखने को मिलता है और ये कार्बन के भी ऐसे कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जहां पर डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो तो यहां पर हम देखते हैं कि जब एक एस ऑर्बाइटल और दो पी ऑर्बिटल्स, दो पी ऑर्बिटल मतलब अगर एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा तो जब ये तीनों साथ में फ्यूज हो जाते हैं तो हमें स्ट्रक्चर कैसा मिलता है हमें ज्योमेट्री कैसी मिलती है हमें मिलता है ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री अब बारी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल और तीनों के तीनों p ऑर्बिटल जब साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं इक्विवेलेंट एनर्जी वाले फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ठीक है तो अगर हम इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो हम देखते हैं कि इनके अंदर 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है ऐसा क्यों क्योंकि इसके अंदर s तो एक ही है पर p तीन है राइट right? तो इसका मतलब S का सिर्फ 25% कैरेक्टर है और P का 75% कैरेक्टर है अब बात करते हैं इसके ज्योमेट्री की तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इन्हें हम कुछ इस तरीके से हमें अरेंज करना पड़ता है ताकि इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रिपल्शन मिनिमम हो सो दिस इज हाउ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप होता है when they are placed at towards the four corners of a tetrahedron. और जब हम sp3 hybrid orbital की बात करते हैं तो इनके बीच का जो angle होता है that angle is 109.5 degree और यही angle हमें देखने को मिलता है in case of methane that is CH4. तो इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि CH4 में हमें देखने को मिलेगा sp3 hybridization. तो अभी तक हमने जितनी भी hybridization देखी उसमें sp orbitals involved थे ठीक है लेकिन अब जैसे जैसे हम हायर एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे तो उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में थ्री डी ऑरबाइटल भी इन्वॉल्व होने लगेंगे राइट right? तो एज अ रिजल्ट जो हाइब्रिडाइजेशन होगा मेरा उसमें भी डी ऑर्बिटल भी आ जाएंगे है ना तो अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दो जब हम एनर्जीज की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि थ्री डी जो है इसकी एनर्जी थ्री एस और थ्री पी के कंपेरेबल है है कि नहीं क्योंकि ये सारे n इज इक्वल टू थ्री को बिलोंग करते तो थ्री एस थ्री पी थ्री डी इनके एनर्जीज कंपेरेबल हैं तो इसीलिए ये जो है हाइब्रिडाइज हो सकते हैं साथ में क्योंकि ये कंपेरेबल एनर्जीज के हैं अब उसी तरह से अगर हम थ्री डी 4s और 4p को कंपेयर करें इनके भी एनर्जीज कंपेरेबल है ऐसा क्यों क्योंकि हालांकि n की वैल्यू तो अलग है लेकिन अगर हम l की वैल्यू भी कंसिडर नंबर की वैल्यू भी कंसिडर करें क्योंकि एनर्जी का कैसे पता चलता है n +L से, तो एन प्लस एल रूल से आप देखो तो 3d 4s 4p इनकी एनर्जीज भी कंपेरेबल है तो यानी कि ये भी आपस में हाइब्रिडाइज हो सकते हैं ठीक है अब जब कभी भी 3s, 3p, 3d ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे तो हमें किस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो हमें मिलेंगे sp3d, sp3d2 इस तरह के मिलेंगे और जब 3d, 4s, 4p ये हाइब्रिडाइज होंगे तब हमें किस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे तब हमें मिलेंगे डी एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री राइट तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए क्यों ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जो 3d ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी 3s 3p वालों से भी कम्पेयरेबल है और इसकी एनर्जी 4s 4p वालों से भी कम्पेयरेबल है तो ये इन दोनों ही ग्रुप में हाइब्रिडाइज हो सकते हैं तो सिमिलर लॉजिक से जिस तरह से हमने एस और पी ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन देखे उसी तरह से जब डी ऑर्बिटल भी आ जाएगा तो इनके अलग अलग हाइब्रेटाइजेशन बन सकते हैं जैसे कि डी एस पी टू एस पी थ्री डी डी एस पी थ्री एस पी थ्री डी टू या फिर डी टू एस पी थ्री ठीक है और इन सब के एक एक कॉरेस्पॉन्डिंग शेप भी होंगे जैसे कि डी एस पी टू यानी कि स्क्वायर प्लेनर एस पी थ्री डी यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल डी एस पी थ्री मतलब स्क्वायर पिरामिडल और एस पी थ्री डी टू मतलब ऑक्टाहेड्रल ठीक है तो dsp2 टू कब बनेगा जब एक डी एक एस और दो पी और वाइटल मिक्सअप होंगे sp3d थ्री डी मतलब जब एक एस तीन पी और एक डी डी एस पी थ्री मतलब एक डी एक एस तीन पी और sp3d2 थ्री डी टू मतलब एक एस तीन पी दो डी ठीक है तो इसी तरीके से कंबाइन होके ये बनाएंगे और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इनके रेस्पेक्टिव देखा यह गया कि वी जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल थ्योरी नहीं रही तो का ये शन था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर लोकलाइज्ड इन स्पेसिफिक लोकेशंस ठीक है तो वी ये का ये मानना था कि जब दो एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसके बाद भी एटम्स की खुद की आइडेंटिटी होती है एज एन जैसे एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन बनाते हैं बट स्टिल हम किसकी बात करते हैं हम हर चीज में एटॉमिक ऑर्बिटल की ही बात करते हैं क्योंकि वीबीटी बी ये कहती है कि जब भी दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करते हैं उनका रोल होता है जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो यूं ही आराम से प्रोटेक्टेड बैठे रहते हैं उनका कोई काम नहीं होता है ठीक है बट अनफॉर्चुनेटली वी जो थी ये कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी पहली चीज इट कुड नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन ऐसा क्यों क्योंकि वीबीटी के हिसाब से अगर हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखें तो वो क्या है वन एस टू टू एस टू टू पी फोर तो इसे अगर हम ये इन डब्बों में बनाएं इनके इलेक्ट्रॉन्स को तो हम क्या देखते हैं कि इसके पास ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वीवीटी के लॉजिक के हिसाब से कि भाई दो ऑक्सीजन आइटम आएंगे तो ये जो दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप हो जाएंगे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा एज अ रिजल्ट इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और ये ऑक्सीजन होगा डाया ठीक है लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ऑक्सीजन इज पैरा मैग्नेटिक अच्छा अब आप पूछोगे कि डाया मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक ये होता क्या है तो जब हम बात करते हैं डाया मैग्नेटिक की तो दे रिपेल मैग्नेटिक फील्ड ज जब हम पैरा मैग्नेटिक की बात करते हैं तो दे अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड तो बेसिकली जहां पर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए यानी कि वो सब्सटेंस पैरा मैग्नेटिक है और जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो वो डाया मैग्नेटिक है ठीक है लेकिन यहां पर दुविधा तो यही थी कि वी कह रहा था कि ऑक्सीजन डाया मैग्नेटिक है बट एक्सपेरिमेंटली हम देख रहे थे कि नहीं ऑक्सीजन पैरा मैग्नेटिक है और वीबीटी इस पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड थे जैसे कि जेनॉन फ्लोराइड एक्सई इस तरह के जो कंपाउंड्स बन रहे थे इनके बनने के पीछे के कारण को भी वीबीटी क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि वीबीटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं अब सवाल ये उठता है कि भाई जेनॉन एक्सी XE, ये है क्या ये तो नोबल गैस है ये तो वो साधु वाले कैटेगरी में आता है जिसके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो फिर इसे कंबाइन करने की जरूरत क्या है इसे बॉन्ड फॉर्म करने की क्या जरूरत है तो इस तरह के फॉर्मेशन को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसी के बाद आया अगला थ्योरी जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल थ्योरी या फिर थी ठीक है तो MOT का कुछ ऐसा था कि एक बार जैसे ही मॉलिक्यूल बन जाएगा हम एटम के बारे में कुछ बात ही नहीं करेंगे ठीक है मतलब मतलब ये कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बना देगा तो हम एटोमिक और बाइट का कोई जिक्र नहीं करेंगे हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां रहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और बाइटल्टली तो जब तक हम एटम की बात करते थे तो हम कहते थे इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में अब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में राइट right. तो यहीं से इस थ्योरी की शुरुआत होती है अब दूसरा सवाल उठता है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कैसे

थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करना तो बनता है कि एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर और बाइटल की फॉर्मेशन होती कैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो एटम्स हैं, ठीक है तो जैसे ही ये दो एटम्स एक दूसरे के पास आते जाएंगे तो क्या होगा हमें ये तो हमने पहले डिस्कस किया था कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ये हमने पहले डिस्कस कर रखा था राइट अब ये आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हम कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्म हो चुका है और ये एक मॉलिक्यूल बन चुका है राइट तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो हम इस ऑर्बिटल को अब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहते हैं हम इसे क्या कहते, है? हम इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जैक्टली ठीक है अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं अस सपोज हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे राइट right? अब दोनों हाइड्रोजन एटम का जो 1s ऑर्बिटल है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है ये क्या करेंगे ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करके बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है अब इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर होगी तो आप क्या बताओगे दोनों न्यूक्लियाई के बीच वाला जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा होगी बेसिकली ये दोनों बॉल का जो कॉमन रीजन है उस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी ऐसा क्यों होगा क्योंकि वो वैसा रीजन है जहां से एक इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियाई को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट कर सकता है करेक्ट क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियाई दोनों पॉजिटिवली चार्ज है राइट तो इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें यह पता चलता है कि दोनों न्यूक्लियाई के जो बीच वाला रीजन है उस रीजन में मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और इस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ठीक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों क्योंकि यह बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है बॉन्ड कहां बनता है जैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉन्ड कहां बनता है दोनों के बीच में दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में राइट सो दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इस रीजन को हम कहते हैं बॉन्डिंग रीजन बहुत बहुत जरूरी है ये क्योंकि आगे जाके मैं बात बात पे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये वर्ड्स यूज करती रहूंगी ठीक है बहुत बढ़िया अब यहां पर हम फिर से एक दुविधा में फंस गए हमने पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स में कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है ना वो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं तो मुझे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलने चाहिए बट अभी हमने क्या देखा कि कंबाइन तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो रहे थे बट बना क्या एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां गया करेक्ट अब आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों कि जितने कंबाइन होंगे उतने ही बनने चाहिए क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है दे आर बेसिकली क्वांटम स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हमें इतना तो पता ही है कि जो सेट ऑफ क्वांटम जो पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं उनका नंबर फिक्स्ड है राइट right? जितने सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होने हैं उतने ही सेट होंगे करेक्ट तो इसका मतलब जितने ऑर्बिटल्स होने हैं उतने ही होंगे राइट right? तो यानी कि यहां पर फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गायब है तो वो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल कहां पर है अब ये जो ऑर्बिटल अभी गायब सा हो गया है इस ऑर्बाइटल को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब ये कौन सी चीज होती है तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ी देर डुअल नेचर को याद करना पड़ेगा हमने पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स में कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे हैव डुअल नेचर दे बिहेव लाइक पार्टिकल दे बिहेव लाइक वेव तो अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करूं सो दे हैव वेव लाइक कैरेक्टर है कि नहीं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं यानी कि उनका वेव की तरह एम्पलीट्यूड है उनमें फेज है वो वेव की तरह इंटरफेयर करते हैं अब हमें ये भी पता है कि वेव्स जो हैं ये दो टाइप से इंटरफेयर कर सकते हैं एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है एक वेव यू जा रहा है दूसरा वेव भी यू जा रहा है दोनों को एड कर देंगे तो वो एडअप हो जाएगा यू दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है एक वेव यू जा रहा है दूसरा यू जा रहा है दोनों को अगर हम एडअप करने जाएंगे तो क्या होगा जीरो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देगा एंड दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है तो यहां पर ना वही हो रहा है तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तब बन रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो तो हमने अभी अभी देखा था अभी तुरंत देखा था कैसे बन रहा था बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल? अब एंटी बॉन्डिंग कैसे बन रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से अब लेटर सपोज ये मेरे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन हो रहे हैं अगर इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो क्या होगा इनके बीच का जो कॉमन वाला रीजन है ना उसमें क्या होगा कॉमन वाले रीजन में ये एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे मतलब जो कॉमन रीजन है वहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं मिलेगा राइट right? तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन रीजन है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी जीरो और ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाती है उसे हम कहते हैं नोडल सरफेस एग्जैक्टली तो अब आप पूछोगे कि ठीक है ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन पाया कहां जाएगा तो बेसिकली इन दोनों के बीच वाले जो कॉमन वाला रीजन है वहां तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन दोनों के इधर इधर साइड में मिलेगा तो बेसिकली दो न्यूक्लियाई है इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेकिन जो इधर के रीजन से वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ठीक है तो ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग रीजन, और इस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, ठीक है तो अभी तक हमारी कहानी क्या हुई कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं अगर वो कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन करते हैं तो बनता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जब वो डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन करते हैं तो बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके दो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल बनाते हैं एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग क्लियर नाम से पता चल रहा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है ये बॉन्ड बनाने को फेवर करता है राइट क्योंकि इस तरह के ऑर्बिटल में दोनों न्यूक्लिया के बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये दोनों न्यूक्लिया के बीच में रिश्ता जोड़ के रखना चाहता है बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर करता है और वही एंटी बॉन्डिंग वो तो एंटी है अगेंस्ट है वो चाहता ही नहीं है कि बॉन्ड बने ठीक है क्लियर है अब बात करते हैं दोनों के स्टेबिलिटी की आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खुद सोच के देखो जो इंसान बॉन्ड बना के रखता है ठीक है मतलब एक बंदा है जो चाहता है कि यार मेरी सबसे फ्रेंडशिप बनी रहे सबके साथ अच्छा रिश्ता रहे सबसे मैं मिलता रहूं बात करता रहूं ठीक है वो बंदा ज्यादा स्टेबल रहेगा राइट मतलब उसके आसपास लोग रहेंगे केयर करने के लिए उसे कुछ जरूरत होगी तो लोग होंगे राइट तो ऐसा बंदा ज्यादा स्टेबल रहेगा और जो बंदा ऐसा होगा कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी है मुझे हमेशा यू नो दूसरों से लड़ाई रखना है किसी से कुछ नहीं मतलब है ऐसा बंदा ज्यादा अनस्टेबल रहेगा करेक्ट तो बस वही चीज है यहां पर भी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और ज्यादा स्टेबल है क्यों क्योंकि उनकी एनर्जी कम है ये तो पता ही है एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा और एंटीबॉन्डिंग एनर्जी होती है ज्यादा बट स्टेबिलिटी होती है कम अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जैसे जैसे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी की बात करेंगे उनके बिहेवियर और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम किस बेसिस पे बात करेंगे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे ठीक है तो ये क्या चीज़ हुई जैसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे कैसे लिखते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाते थे अब हम क्या करेंगे हम मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते चले जाएंगे ठीक है और यहां पर भी हम वही तीन रूल्स को फॉलो करेंगे पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हु रूल एंड ऑफबॉ प्रिंसिपल तो इन तीनों को फॉलो करते हुए हम मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते चले जाएंगे और वहां से हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब देखो मैथमेटिकली अगर हमें समझना हो कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे अब एटॉमिक ऑर्बिटल को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन से ठीक है तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे लेट्स से से साई A, साई ए बी ठीक है अब अगर हम इसके प्रॉपर मैथमेटिक्स में घुस जाए तो हमें इक्वेशन में जाकर उसे सॉल्व करके कुछ कुछ करना पड़ेगा जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए एक मेथड निकाला गया जिसे अप्रोक्सीमेशन मेथड कहते हैं और इस मेथड का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसे शॉर्ट में कहा जाता है एल सी ए ओ ठीक है तो ये मेथड कहता है कि अगर हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं विथ वेव फंक्शन साई ए एंड साई बी तो जब इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इसका मतलब है ये जो वेव फंक्शंस हैं ये अप हो जाएंगे यानी कि साई ए प्लस साई बी और तब बनता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जब इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये सब हो जाएंगे यानी कि साई ए माइनस बी और तब बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ये होने के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दिए गए हैं कुछ शर्तें लगा दिए गए हैं जैसे ऐसा होता है ना कि अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उनके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि भाई आपके इतने नंबर आने चाहिए आपका इतना एज होना चाहिए आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होना चाहिए वगैरह वगैरह तो ठीक उसी तरीके से अगर किसी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करना है तो उन्हें ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा ठीक है पहला कंडीशन ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज हैं दे शुड बी सेम या नियरली सेम तो यानी कि अगर एक वन एस ऑर्बिटल से तो कंबाइन कर सकता है लेकिन एक वन एस ऑर्बिटल से कंबाइन नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों की एनर्जीज़ अलग है दूसरा कंडीशन जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब देखो जब मैं एस ऑर बाइटल्स की बात कर रही हूं तो ये तो स्पेरिकली सिमेट्रिक होते हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जब मैं पी और बाइटल की बात करती हूं उसमें पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं और इन तीनों की जो ओरिएटेशन हैं वो अलग अलग होती हैं तो बोलने का मतलब ये है कि जो एक पी जेड और है, वो पी जेड से ही कंबाइन करेगा वो पी एक्स या पी वाई से कंबाइन नहीं कर सकता है तो मतलब जिनकी सेम सिमेट्री है वही आपस में कंबाइन कर सकते हैं तीसरा कंडीशन जो ओवरलैप है द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप हैज टू बी ग्रेटर क्योंकि जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई क्योंकि जब ओवरलैपिंग यू होगी दोनों न्यूक्लियाई के बीच वाले रीजन में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसीलिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप शुड बी हाई अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑरबाइटल्स मतलब जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बढ़ेगा हमें ज्यादा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे है कि नहीं तो हम इसे डिनोट करते हैं ऐसे सिग्मा ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स, डेल्टा ऑर्बिटल्स एंड सो so ऑन तो फिलहाल हम बात करेंगे डिटेल में अबाउट ऑर्बिटल्स एंड पाईटो कहा वीडियो में पढ़ा था हमने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड याद आया सिग्मा बॉन्ड यानी कि हेड ऑन ओवरलैप राइट पाई बॉन्ड यानी कि साइडवाइज ओवरलैप ये चीजें हमने पढ़ी थी है ना तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में एक चीज होता था अगर आपको याद है तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता था जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी दैट यूज टू बी सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस और पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता था सिमेट्रिकल नहीं होता था तो वैसा ही कुछ यहां पर होता है तो जो सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड बॉन्ड एक्सिस तो जो बनता है ना उसकी जो एक्सिस है उसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होती है ऊपर जैसा नीचे भी वैसा ठीक है तो वो होते हैं सिग्मा ऑर्बिटल्स और पाई ऑर्बिटल्स वो होते हैं जो बॉन्ड एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल नहीं होते हैं ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं इससे अच्छा समझ आएगा तो पहले सिग्मा ऑर्बिटल की बात करते हैं कि एक orbital, एक ये दोनों कंबाइन करते हैं ठीक है हमें क्या पता है जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो वो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा अब वन 1s वन जब कंबाइन कर रहे हैं तो जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल मुझे मिल रहा है देखो इसे अगर तुम बॉन्ड एक्सिस के अबाउट देखोगे तो देखो ये ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है ठीक है तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे सिग्मा वन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ठीक है अब इसी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे उसे हम हम कैसे denote करेंगे? एक से कहेंगे तो इसका मतलब जब atomic orbital और atomic orbital होते हैं, तो हमें क्या मिलता है सिग्मा वन एस एंड सिग्मा स्टार वन एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्लियर बहुत बढ़िया ठीक इसी तरह से जब टू एस टू एस एटोमिक ऑरबाइटल कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा सिग्मा टू एस एंड सिग्मा स्टार टू एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग क्लियर अब पी की बात करते हैं अब पी और वाइटल के अंदर पी एक्स पी वाई पी जेड होता है ठीक है तो लेट अस सपोज मेरा बॉन्ड एक्सिस जो है दैट इज दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और हम ये अज्यूम करते हैं कि जो पी जेड का ओरिएंटेशन है दैट इज अबाउट दिस बॉन्ड एक्सिस मतलब पी जेड का ओरिएंटेशन कुछ यू है ठीक है इस तरीके से पी जेड का ओरिएंटेशन है तो हम क्या कहेंगे कि जब पी जेड और पी जेड ये कंबाइन करेंगे तो क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द बॉन्ड एक्सिस तो इसीलिए पी जेड टू पी जेड और टू पी जेड जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा एक सिग्मा टू पी जेड एक सिग्मा स्टार टू पी जेड एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग क्लियर है तो ये हो गए हमारे सिग्मा ऑर्बिटल्स ठीक है अब बात करते हैं पाई ऑर्बिटल्स की पाई में क्या होगा इट इज नॉट सिमेट्रिकल तो यानी कि एस एस कंबाइन करके एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल कंबाइन करके कभी भी हमें पाई ऑर्बिटल नहीं मिलेगा ठीक है कब मिलेगा पाई ऑर्बिटल? जब पी एक्स और पी एक्स करेंगे तो नीचे नेगेटिव है अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव है राइट तो तो यानी कि ये सिमेट्रिकल नहीं है तो ये क्या बनाएगा ये बनाएगा पाई ऑर्बिटल यानी कि जब टू पी एक्स टू पी एक्स ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा स्टार लग जाएगा पाई स्टार 2px यानी कि जब 2px 2px एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा तो हमें मिलेगा पाई 2px और पाई स्टार 2px मॉलिक्यूलर एक्स मॉलिक्युलर उसी तरीके से जब ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो हमें मिलेगा y पी वाई टू 2p y मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स समझ आया सबको दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा ऑर्बिटल्स और, और पाई ऑर्बिटल्स ये क्या होते हैं ठीक है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि यहां पर जो भी आपको पिक्चर्स दिखे हैं अभी अभी उससे आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से वो सिमेट्रिकल है और किस तरह से सिमेट्रिकल नहीं है ठीक है तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या फिर इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एम ओ डी ठीक है अब ये डायग्राम सबको बिल्कुल ढंग से समझ में आना चाहिए क्योंकि इसी के बेसिस पर हम सारे अपने जो कंक्लूजन हैं सारे जो रिजल्ट्स हैं वो इसी के बेसिस पर निकलेंगे ठीक है तो चलो शुरू करते हैं यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं ठीक है तो लेटर्स सपोज मेरा एटोमिक ऑरबाइटल वन और टू अगर जो जो जिस भी एटम की मैं बात कर रही हूं ठीक है Let's say, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस फॉर्मेट में होता है इसी तरह से होता है 1S2, 2S2, 2P6, तो उसके जो एटॉमिक ऑरबाइटल हैं उसे अगर मैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखूं तो कुछ ऐसे लिखाएगा वन एज टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी एंड सोव ठीक है तो अभी फिलहाल जो है मैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करूंगी विच आर होमो ठीक है तो मतलब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ टू जो दो ऑक्सीजन आइटम से बने हैं एच टू जो दो हाइड्रोजन एटम से बने मतलब दो सिमिलर एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स की बात हम करेंगे ठीक है तो होगा क्या जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो जैसे इसका वन एस इसके वन एस के साथ कंबाइन होगा करेक्ट उसी तरह इसका टू एस इसके टू एस के साथ कंबाइन होगा इसका टू पी इसके टू पी के साथ कंबाइन होगा ऐसे ही होगा तो मुझे मिलेगा क्या वॉट विल आई गेट सो आई विल गेट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नाउ वेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन सो दीज टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन सो हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आई विल गेट ट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बाइटल राइट यही तो हमने डिस्कस किया इतनी देर में एक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग ठीक है तो जब वन एस वन एस कम्बाइन होंगे तो मुझे क्या मिलेगा सिग्मा वन एस और सिग्मा स्टार वन एस ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग तो जहां जहां एंटी बॉन्डिंग है देखो वहां वहां मैंने स्टार लगा दिया है ठीक है ठीक उसी तरह टू एस टू एस कंबाइंड होंगे तो क्या मिलेगा सिग्मा टू एस और सिग्मा स्टार टू एस जब 2p 2p कंबाइन होंगे तो अब बच्चों यहां पर याद रखना है कि p के अंदर कितने और बाइटल्स है तीन है px py pz और अभी अभी तो हमने पढ़ा कि जब px और py कंबाइन होते हैं तो क्या मिलता है हमें हमें मिलते हैं y और बाइटल्स राइट मतलब हमें सिग्मा और बाइटल्स नहीं मिलते हैं हमें मिलते हैं पाई और बाइटल्स तो इसीलिए यहां पर क्या बनेगा पाई टू पी एक्स तो इसको ध्यान दो यहां पर पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई ठीक है लेकिन जो z है जब पी जेड और pz कंबाइन होते हैं तब क्या बनता है सिग्मा सिग्मा टू पी जेड ऐसा क्यों डिस्कस किया था हमने राइट क्योंकि इफ वी एज्यूम दैट पी जेड इज अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो उस केस में हम देखते हैं कि जब ये कंबाइन होते हैं तो अराउंड द इंटर न्यूक्लियर हमारी सिमेट्री होती है राइट यानी कि सिग्मा और वाइटल बनता है ठीक है अब इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग बनेंगे तो बस कुछ भी नहीं है इनमें खाली स्टार लगा दिया है पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई और एस 3S, 3S कंबाइन S S होते हैं तो हमेशा सिग्मा बनता है तो यहां बनेगा सिग्मा थ्री एस सिग्मा स्टार थ्री एस अब इसी तरह थ्री पी थ्री पी कम्बाइन होंगे तो वापिस से वही होगा पाई थ्री पी एक्स पाई थ्री पी वाई सिग्मा थ्री पी जेड उसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंग पाई स्टार थ्री पी एक्स पाई स्टार थ्री पी वाई सिग्मा स्टार थ्री पी जेड ऐसे बनेगा ठीक है यहां तक क्लियर है ये सब देखते हैं जब हम इन्हें लिखते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट देखो दीज आर वेरी सिंपल कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर ग्रेट अब देखो ये जो इनकी एनर्जी लेवल्स है क्योंकि हम बना क्या रहे हैं हम बना तो रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम यानी कि हमें पता होना चाहिए कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया उससे हमें इतना ही पता है सिर्फ कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर और वाइटल्स हैं उनकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है यानी कि सिग्मा वन की सिग्मा स्टार वन से कम होगी सिग्मा टू की सिग्मा स्टार टू से कम होगी राइट बट जब मैं इन सबको को कंसिडर करूं तो क्या होगा इनका एनर्जी का ऑर्डर हम बात करेंगे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की या फिर पीरियड टू के एलिमेंट्स की ठीक है कौन से है एलिमेंट्स पीरियड टू वाले लिथियम बेरीलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नियॉन ये है हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स तो इन एलिमेंट्स के लिए एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि इन एनर्जी इन ये जो लेवल्स हैं मॉलिकुलर और बाइटल्स हैं इनकी एनर्जीज कितनी होंगी ठीक है क्लियर है और पाया क्या गया ये हमारा रिजल्ट था रिजल्ट ये था कि ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन के लिए कुछ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन था ऑक्सीजन फ्लोरिन कहां पे लाई करता है मतलब आखिरी के जो ये तीन एलिमेंट्स थे इनके लिए हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा था कि सीक्वेंस ऐसा होगा सिग्मा वन एस लेसमा स्टार वन एस लेस सिग्मा टू एस लेसमा स्टार टू एस तो देखो पहले वन एस वाली की एनर्जी उससे ज्यादा टू एस वालों की एनर्जी उससे ज्यादा टू पी वाले आएंगे राइट लेकिन उनके में भी फर्क है जैसे देखो सिग्मा स्टार टू एक्स के बाद किसका नंबर आ गया यहाँ पर सिग्मा टू पी जेड तो ऑक्सीजन फ्लोरिन नियॉन के लिए ऐसा देखा गया कि सिग्मा टू पी जेड की जो एनर्जी है दैट इज लेस देन पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि ये टू पी एक्स और टू पी वाई इन दोनों की जो एनर्जीज हैं दे आर सेम उसी तरह से पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई की भी एनर्जीज सेम होती ठीक है ठीके? और उसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है यहां पर सिग्मा स्टार टू पी है तो ये सीक्वेंस है नाउ दिस इज द सीक्वेंस जो हमें याद रखना है ठीक है अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि इसको रटो बैठ के दैट इज नॉट रिक्वायर्ड अगर आपको ये समझ में आ गया है जो अभी मैंने समझाया कि कैसे कैसे बन रहा है सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस फिर सिग्मा टू बस सिग्मा स्टार टू एस ये अगर ये बनने का जो प्रोसेस है ना ये अगर समझ में आ गया है तो इसे रटने की जरूरत नहीं है हम अभी डायग्राम बनाएंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी ठीक है चलो ये तो समझ आ गया अब बताओ कि यार ये लिथियम से लेकर के नाइट्रोजन तक का क्या तो हम कहते हैं कि जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं बाकी मतलब वही लिथियम से लेकर के नाइट्रोजन तक जो है उनके लिए जो है मेरा सीक्वेंस है तो लगभग सेम बस हल्का सा डिफरेंस है क्या यहां पर जो है सिग्मा टू पी जेड की जो एनर्जी थी वो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई से कम थी और यहां पर सिग्मा टू पी जेड की जो एनर्जी है वो पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई से ज्यादा है सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरीज ठीक है अब अब क्या करेंगे हम ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये क्या लिखा हुआ है लेस देन सिग्मा पाई वगैरह वगैरह तो इसे डायग्राम से देखते हैं ठीक है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या फिर एनर्जी लेवल डायग्राम देखो यहां पर मैंने वही लिख रखा है फॉर अदर मॉलिक्यूल्स ये वाला रिलेशन एंड फॉर ऑक्सीजन नियॉन एंड फ्लोरीन ये वाला रिलेशन ठीक है अब देखो ये कौन सा वाला डायग्राम है अब ये डायग्राम भी बहुत भयानक सा लग रहा होगा शायद पहली बार देखने से बट इतना भयानक है नहीं देखो मैंने क्या समझाया था दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये जो बगल के जो स्क्वे बने हुए हैं ना ये वाले ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ठीक है तो वन एस देखो मैंने क्या समझाया था वन एस और वन एस वन एस एक एटम का ऑर्बिटल वन एज दूसरा एटम का ऑर्बिटल ये दोनों मिलके क्या क्या बनाएंगे सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस ठीक है उसी तरह एक एटम का 2s और दूसरे एटम का 2s मिलके क्या बनाएंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s अब आप पूछोगे कि इसको इस पैटर्न में क्यों लिखा क्योंकि जो सिग्मा 1s है वो क्या है मेरा वो मेरा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है राइट right? और बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम होती है वो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है तो देखो ये जो एरो है ये आपको बता रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है राइट right? तो इसीलिए हमने बॉन्डिंग ऑर्बिटल को इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नीचे लेवल पे रखा है और एंटी बॉन्डिंग को दोनों कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर रखा है क्लियर है उस से ये वाला पैटर्न आ रहा है ये वाला शेप आपको दिख रहा है ठीक उसी तरीके से यहां पर भी सिग्मा 2s जो कि बॉन्डिंग और बाइटल है उसको हमने कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे रखा है सिग्मा स्टार 2s जो कि एंटी बॉन्डिंग है उसे ऊपर रखा है है ठीक अब बात करेंगे 2p की अब 2p के अंदर देखो 2px 2py 2px 2py 2pz है इधर इधर भी 2px 2py 2pz मतलब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे सिग्मा टू पी जेड सिग्मा स्टार टू पी जेड ठीक है अब ये डायग्राम देखो किसके लिए है सिग्मा स्टार टू एस के बाद यहां पर क्या आ रहा है सिग्मा टू पी जेड करेक्ट तो मतलब सिग्मा स्टार टू एस के बाद सीक्वेंस में कौन है सिग्मा टू पी जेड तो यानी कि ये वाला जो मेरा डायग्राम है ये कौन से वाले कैटेगरी के लिए है ऑक्सीजन नियॉन और फ्लोरीन वाले कैटेगरी के लिए है ठीक है तो इनका डायग्राम ऐसा बनेगा ठीक है अब देखो एक मैं शॉर्टकट बताती हूँ अब आप बोलोगे कि मैम ये तो इतना स्क्वायर बनाओ इतना करने में ही तो कितना टाइम चला जाएगा तो हम इतना कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली करेंगे नहीं ठीक है जब हम एग्जाम में इसे बनाएंगे या फिर कई बार तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए रफ में बनाना पड़ता है इसे तो हम कैसे बनाएंगे देखो हम शॉर्टकट में ऐसे बनाएंगे कि जैसे ये मेरा हो गया लेट्स वन एस वन एस ये हो गया टू एस टू एस ये मेरा हो गया टू पी टू पी ठीक है ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको बनाने में अब हमें क्या पता है वन एस वन एस मिल यू बनाएंगे ठीक है एक सिग्मा टू एस सिगमा स्टार टू एस टू एस टू एस मिल यू बनाएंगे सिग्मा टू एस सिगमा स्टार टू एस अब इसकी जब बारी आएगी ना तो जैसे ही हम ऑक्सीजन नियॉन ऑन फ्लोरिन की बात करेंगे मतलब ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स वाले एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो हमें क्या पता है कि मेरा जो शेप है ना वो यूं बनेगा पहले ऐसे ही जैसा नीचे बन रहा था वही पैटर्न और अंदर जो है वो ऐसा ऐसा वाला पैटर्न अब ऐसा पैटर्न क्यों होता है क्योंकि देखो जो टू पी एक्स जो पाई टू पी वाई है ये दोनों सेम लेवल पे है दोनों की एनर्जी सेम है तो ऑब्वियसली ये दोनों सेम लेवल पे रहेगी उसी तरह से पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी एक्स ये दोनों एनर्जी सेम है तो ये दोनों भी सेम लेवल पे रहेगी तो ऐसा पैटर्न बनेगा ठीक है तो रफ में आप इस तरीके से इसको बना सकते हो अब देखो ये अगर आपको याद रहा ना ये डायग्राम का पैटर्न तो बस फिर आपको सीक्वेंस रटने की जरूरत ही नहीं है आपको तो पता ही है सिग्मा वन है सिग्मा स्टार वन है सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस सिग्मा टू पीजेड उसी तरह ऊपर वाला हो जाएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड और बीच वाले पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई ठीक है क्लियर है मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ क्योंकि ये एक बार क्लियर हो गया तो आगे के मॉलिकुलर डायग्राम्स जो हैं, वो आप आसानी से बना लोगे अब बात करते हैं अदर मॉलिक्यूल्स के लिए तो अदर मॉलिक्यूल्स के लिए देखो बाकी सब कुछ सेम है फ़र्क सिर्फ क्या है ये वाला जो पैटर्न है ना ये वाला जो एरिया है इसमें खाली ऑर्डर मेरा चेंज हो गया है राइट right? पहले क्या था ये दो वाला टू पी एक्स टू पी वाई जो है वो अंदर था अब जो है ये बाहर है और ये वाला अंदर है मतलब बेसिकली ये जो इन दोनों की जो पोजीशन है ना ये सिर्फ इंटरचेंज हो गई है दैट इज द ओनली डिफरेंस इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है ठीक है तो बच्चों ये जो डायग्राम है ना दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है तो इसे जो है बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट कर लो रटना नहीं है अगेन आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन इसको समझो कि वन एस वन एस कंबाइन होकर क्या बनाते हैं टू एस टू एस क्या बनाते हैं टू पी टू पी क्या बनाते हैं राइट एंड यू डू एंड प्रैक्टिस इट इन योर नोटबुक वंस एंड आई एम टेलिंग यू उससे जो है ना आगे आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी चीजें ठीक है तो अभी अभी हमने क्या देखा हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में किस तरह से हम डालते जाते हैं और उससे हमें मिलता है मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब आती है एक बार अगर हमने मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लिया तो उसके बेसिस पर हम मॉलिक्यूल के बारे में कितनी चीजें बता सकते हैं सबसे पहले तो हम बता सकते हैं मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी फिर हम बता सकते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर उसके बाद हम बता सकते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड उन एटम्स के बीच में उस मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह के बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है ठीक है इतना ही नहीं हम बॉन्ड लेंथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में भी बता सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है अब देखो एक बार जैसे ही मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया ठीक है तो मुझे पता रहता है उसमें मैं काउंट करके देख सकती हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं ठीक है अब देखो मैंने पहले बताया था कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो भी चीजें हैं वो क्या कर रही है वो बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर कर रही है और जो भी चीजें बॉन्ड बनने को फेवर कर रही है वो ज्यादा स्टेबल है राइट मतलब रिश्तों को जोड़ के जो रखता है वो ज्यादा स्टेबल है राइट सिमिलरली यहां पर भी हम क्या करेंगे हम काउंट करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग और बाइटल में है किसी एक बॉन्डिंग में नहीं चाहे वो सिग्मा वन एस हो चाहे वो सिग्मा टू एस हो चाहे वो पाई टू पी एक्स हो पाई टू पी वाई हो या फिर सिग्मा टू पी जेड हो ये सारे बॉन्डिंग और बाइटल्स हैं राइट तो इन सभी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं

का जो जोर है ना बॉन्डिंग मेजोरिटी में है बॉन्डिंग मेजोरिटी में है मतलब वो स्टेबल है क्योंकि बॉन्डिंग मतलब स्टेबिलिटी लेकिन अगर बॉन्डिंग माइनॉरिटी में है और एंटी बॉन्डिंग मेजॉरिटी में है इसका मतलब है कि ज्यादा जनता ऐसी है जो चाहता है कि बॉन्ड ना बने राइट right? तो अगर ज्यादा जनता ऐसी होगी ज्यादा पब्लिक ऐसी होगी कि जो बोलेगा नहीं हमको बॉन्ड नहीं चाहिए तो क्या होगा वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा राइट right? तो एक बार आपने आपने बना लिया मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हैं कितने एंटी बॉन्डिंग में हैं अगर बॉन्डिंग वाला ज्यादा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दैट मीनस द मॉलिक्यूल इज स्टेबल अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है यह हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया है जब हम बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे थे राइट बॉन्ड ऑर्डर हमें यह बताता है कि बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी क्या है मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा वन अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा टू अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा थ्री राइट तो इसीलिए वो हमें बताता है कि किस तरह का बॉन्डिंग है दोनों आइटम्स के बीच में तो अब यहां पर इस एमओटी के कॉन्सेप्ट में हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई टू जहां पर एन बी और एन ए क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ठीक है तो अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल है जाहिर सी बात है अभी जस्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे स्टेबिलिटी के बारे में मैंने कहा था कि अगर एन बी इज ग्रेटर देन एन ए तो मॉलिक्यूल स्टेबल है और देखो ये फॉर्मूले को भी देखो अगर एन बी एन ए से ज्यादा होगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मतलब मॉलिक्यूल तगड़ा है स्टेबल है लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो या नेगेटिव निकलता है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है एंड दैट मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट ठीक है तो ये था बॉन्ड ऑर्डर अब तीसरी चीज जो हम बात करेंगे दैट इज बॉन्ड लेंथ अब बॉन्ड लेंथ का हमें कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं मिल पाता है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाने के बाद हमें एक अंदाजा लग जाता है बॉन्ड लेंथ का क्योंकि हमें क्या पता है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब सिंगल बॉन्ड जो होता है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है डबल बॉन्ड उससे छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड उससे छोटा होता है राइट right? तो आप क्या देख रहे हो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घट रहा है ठीक है तो एक बार बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम बता सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो रिलेटिवली कैसा होगा बड़ा होगा छोटा होगा ग्रेटर होगा स्मॉलर होगा वो हम बता सकते हैं अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज मैग्नेटिक कैरेक्टर अब किसी भी मॉलिक्यूल का हम मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बता सकते हैं लुकिंग एट द मॉलिक्यूलर ऑरबाइटल डायग्राम मैंने बताया था डाया मैग्नेटिक मतलब रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड पैरा मैग्नेटिक मतलब अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो डाया मैग्नेटिक का मतलब होता है कि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन अप होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखेगा ठीक है तो जैसे ही आप अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लोगे तो आपको तो साफ साफ दिख जाएगा कि कहां पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हैं और कहां पर वो अनपेयर्ड है तो अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक है और अगर उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हैं इसका मतलब वो डाया है तो अब जो है हम लेंगे एक आखिरी टॉपिक विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ऐसा बॉन्ड है जो हाइड्रोजन बनाता है अब दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि भाई हाइड्रोजन इतना स्पेशल क्यों है कि अपना एक अलग सा बॉन्ड बनाता है तो नॉर्मली ये बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ठीक है मतलब होता यह है कि लेट अस सपोज हाइड्रोजन जो है इसने एक बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया शेयरिंग से ठीक है अब इलेक्ट्रॉन शेयर तो हो रहे दोनों के बीच में लेकिन चूंकि जो दूसरा वाला एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत पावरफुल है तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है याद है वो पिज्जा वाली स्टोरी मम्मा ने पिज्जा बनाया और अब मम्मा ने कहा कि तुम अपने छोटे भाई के साथ इसे शेयर कर लो अब आपने सोचा कि भाई तो बहुत छोटा है कुछ बोल नहीं पाएगा मैं तो उसके मुकाबले थोड़ा पावरफुल तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पिज़्ज़ा ले लेता हूँ एज अ रिजल्ट क्या हुआ आपने चूंकि पिज्जा थोड़ा ज्यादा ले लिया तो आपके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया और भाई के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया एज्यूमिंग दैट पिज्जा इज द इलेक्ट्रॉन तो वही यहां पे हो रहा है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना वो पावरफुल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा खींच ले रहा है तो उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है और हाइड्रोजन के ऊपर बेचारा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है राइट तो एग्जाम्पल लो हाइड्रोजन फ्लोराइड का एच अब फ्लोरिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या होगा फ्लोरीन में आ जाता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज यानी कि डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पे आ जाता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज दैट इज डेल्टा प्लस ये डेल्टा क्यों यूज किया है बिकॉज ये जो चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल चार्ज उसको डिनोट करने के लिए हमने डेल्टा यूज किया है अब होता यह है कि जब हम मॉलिक्यूल लेवल पे बात कर रहे हैं तो वहां पर एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन तो है नहीं वहां पर बहुत सारे एच एफ एच एफ एच एफ एच एफ इस तरह से बॉन्ड्स बने हुए हैं कह रहा है कि ये हर हाइड्रोजन में डेल्टा प्लस है और हर फ्लोरीन में डेल्टा माइनस है ठीक है तो अब मान लो कि मैं हाइड्रोजन हूं मेरे ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है अब मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है फ्लोरिन के साथ लेकिन जो मेरा पड़ोसी वाला फ्लोरीन है ना उसमें भी नेगेटिव चार्ज है स्लाइटली तो क्या हो रहा है हाइड्रोजन जो है वो स्लाइटली उस फ्लोरिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है स इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड अब ध्यान देना है कि यहां पर इस हाइड्रोजन के बीच में और पड़ोस के फ्लोरिन के बीच में कोई शेयरिंग नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन की कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है एक अट्रैक्शन है वाई बिकॉज ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरक्शन क्योंकि एक पॉजिट एक के ऊपर डेल्टा प्लस है दूसरे के ऊपर डेल्टा माइनस है तो द सेटअप इज लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से एक एट्रैक्शन है एंड दिस इज अ वेरी वीक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी नहीं है बहुत वीक बॉन्ड है और इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमें कहां देखने को मिलता है जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तभी यह देखने को मिलता है एंड जनरली ये हमें तीन एटम्स के साथ ही देखने को मिलता है ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन ठीक है इसमें एक कंडीशन ये भी है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इट शुड बी स्मॉल इन साइज फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड टू ऑपरेट अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं इंटर मोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी बच्चे को इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड और कोविलेंट बॉन्ड दो अलग चीजें हैं राइट हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से होता है और कोविलेंट बॉन्ड क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पे एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इट इज अ वेरी वीक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कंपैरेटिवली अ स्ट्रांगर बॉन्ड राइट तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर टू डिफरेंट बॉन्ड्स तो मैं जल्दी ही आती हूं अगले वीडियो के साथ और तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ केयर बाय बाय